क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सैमसन एगोनिस्ट इज इनकरेक्ट, यानी कौन सा स्टेटमेंट है सैमसन के बारे में जो गलत है। सो यहाँ पे फोर ऑप्शन है। ए, दिस इज द फर्स्ट वर्क ऑफ मिल्टन, तो पहला ही जो ऑप्शन है वही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। दिस इज़ द फर्स्ट वर्क ऑफ मिल्टन नहीं है, सैमसन एगोनिस्ट एक्चुअली उनके लास्ट फेज में आया था उनके कैरियर के, ये लिखा गया था 1671 में, तभी इनका एक और वर्क आया था पैराडाइज रीगेंड 1671 में, और तभी ये लिखा गया था, तो ये उनका फर्स्ट वर्क नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसलिए ए वाला, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सब क्वेश्चन जो हैं गलत हैं। और देखिए यूपीएससी लेक्चरर 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। दिस इज़ द फर्स्ट वर्क ऑफ मिल्टन इज़ इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये फर्स्ट वर्क नहीं है। सैमसन एगोनिस्ट ग्रीक, सैमसन द एथलीट और सैमसन द रेसलर, वो एक रेसलर था। ट्रेजेडी वही जॉन मिल्टन, ये एक जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई ट्रेजेडी है, और इसी के साथ उनका पैराडाइज रीगेंड भी पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड, द नेम लिसिडस इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक पोइट, यानी कि जो लिसिडस नेम है उनकी एक वर्क है एलेजी, लिसिडस जो उन्होंने अपने फ्रेंड की डेथ पर लिखी थी उसका वर्क किस ग्रीक पोइट से लिया गया है। तो यहाँ पे आपके फोर ऑप्शन है, ए थियोक्राइट्स, सोफोक्लीज, होमर, यूरिपिडेस। तो ये भी क्वेश्चन है ना लेक्चरर, यूपीएससी लेक्चरर में 2021 में पूछा गया है। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जॉन मिल्टन लिसिडस 1638 इज ए पेस्टरल एलर्जी जनरे इनिशिएट बाय थियोक्राइट्स आल्सो पुट टू फेमस यूज्ड बाय बर्जिल एंड स्पेंसर। द नेम लिसिडस इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक पोइट थियोक्राइट्स, सो द करेक्ट ऑप्शन इज थियोक्राइट्स, ए आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, थियोक्राइट से ये नाम लिया गया है। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज द ऑथर ऑफ डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स, डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स के राइटर का नाम बताना है, सो आपका आंसर हो जाएगा जॉन मिल्टन, डी इज राइट हियर, जॉन मिल्टन। ये उनके डाइवर्स के ऊपर उनके फोर ट्रैक्ट आए थे, ये एक प्रोज वर्क है उनका, डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन उनका आया था 1643 में, और 1645 तक उन्होंने चार ट्रैक लिखे थे डाइवोर्स के ऊपर, उनमें से ये पहला है। तो जॉन मिल्टन इसके राइटर हो गए, और ये भी 21 में बिल्कुल लेटेस्ट अभी पूछा गया है लेक्चरर, यूपीएससी लेक्चरर में पेपर फर्स्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, विच पोइट इन्फ्लुएंस कीट्स द फॉल ऑफ हाइपेरियन 1819, यानी 1819 में जो जॉन कीट्स हैं उनका द फॉल ऑफ हाइपेरियन है वो किससे इन्फ्लुएंस है, तो आपका आंसर हो जाएगा मिल्टन, सी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि मिल्टन ने जो फॉल ऑफ मैन लिखा है पैराडाइज लॉस्ट उनका, उसी को उन्होंने कॉपी करके अपना एपिक लिखना शुरू किया था द फॉल ऑफ हाइपेरियन 1819 में, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, और ये भी 2021 पेपर सेकंड में यूपीएससी के पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स हैज़ नॉट बीन कंपोज्ड बाय मिल्टन, यानी कौन सी पोइम कंपोज्ड नहीं की गई है मिल्टन के द्वारा। सो आपको पता ही है लिसिडस उनकी पोइम है फेमस, एल एलीग्रो भी मिल्टन के द्वारा लिखी गई है, एल पेंसर्स वो भी मिल्टन का ही वर्क है, सो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि जो हाइड्रो टैफिया है ये सर थॉमस ब्राउनी का वर्क है, मिल्टन ने नहीं लिखा है, एंड ये भी यूपीएससी लेक्चरर 2021 पेपर सेकंड में पूछा गया है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस को इस बुक में रखा गया है। सो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस जेआरएफ नेट और जितने भी एग्जाम्स होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वो सारे क्वेश्चन टीजीटी में उन क्वेश्चंस के रिपीट होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन रेफर टू आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल,
यानी कि जो पैराडाइज लॉस्ट एपिक है बाय मिल्टन, उसमें आगरा एंड लाहौर का जिक्र किया है उन्होंने, जो ग्रेट मुगल मुगल एम्परर के टाइम का टाइम पीरियड था वो इंडिया में, तो वो कौन सी बुक में किया है? सो आपका डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बुक नंबर 11। बुक 11 में उन्होंने आगरा एंड लाहौर का जिक्र किया है ऑफ ग्रेट मुगल। देखिए आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। बुक 11 इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन रेफर्स टू ग्रेट मुगल इन 1670 बिकॉज द मैसिव लाहौर फोर्ट बिल्ट लाहौर रीच द पीक ऑफ इट आर्किटेक्चरल ग्लोरी ड्यूरिंग द रूल ऑफ द मुगल, दस द करेक्ट ऑप्शन इज डी। सो डी इज राइट हेयर, डी आपका सही हो जाएगा, बुक 11। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट NTA UGC नेट JRF 2020 जून में ये और 21 में सिर्फ सेकंड में पूछा गया है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ पोस्ट मॉडर्न पैरोडी ऑफ द वेल डिक्सन फोर वाइडिंग मॉर्निंग वॉज रिटेन विद द सेम टाइटल बाय, यानी कि एक पोस्ट मॉडर्न पैरोडी एक बेल डिक्सन फोर वाइडिंग मॉर्निंग किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है एंड रिन रिच के द्वारा, एंड रिन रिच के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक जॉन डन ने एक जॉन डन का वर्क है उसी के सेम टाइटल को इन्होंने यहाँ पर एडॉप्ट किया है। 16th century का वर्क है ये, इसलिए इसमें रखा गया है। हालांकि ये मिल्टन से रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन, जॉन डन का आ गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, मिल्टन इन हिज पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 हैज़ रिटन, यानी कि मिल्टन जो है अपना पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट लिखते हैं एंड जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन, जिसमें उन्होंने जस्टिफाई किया है वेज ऑफ गॉड भगवान का वे टू मैन मैन के लिए। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जस्टिफाई इन द टेक्स्ट ऑफ द पोएम, यानी कि जस्टिफाई जो वर्ड है इसका सब्जेक्ट क्या है इस पोइम के कॉन्टेस्ट में? सो आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा, आई इज़ द सब्जेक्ट ऑफ दिस टेस्ट। ये भी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर इस बुक में। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, 9, मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिल्टन वाज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट हु मेड द एवर स्टेटमेंट अबाउट मिल्टन, सो दिस इज ब्लैक। ब्लैक ने ये कमेंट किया था कि जो मिल्टन है वो डेविल पार्टी के हो गए हैं विदाउट नोइंग इट। उन्होंने ये भी UPSC GIC 2021 में पूछा गया है, GIC 2021 में भी हुआ था ना, UPSC का जो मेन एग्जाम उसमें आया था। तो इसका उनका कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो सैटर्न का करैक्टर है ना उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने ग्लोरीफाई कर दिया है बजाय गॉड के, क्योंकि उन्होंने उनका जो पर्पज़ है इसमें इस एपिक को लिखने में इसमें उन्होंने जस्टिफाई किया है वे ऑफ गॉड टू मैन। यहाँ पर लिखते हैं ना वो जस्टिफाई गॉड वे टू मैन, लेकिन उन्होंने तारीफ इतनी ज़्यादा सैटर्न की कर दी है कि मतलब इसलिए ब्लैक ने उन पर ये कमेंट किया कि मिल्टन वाज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि यहाँ पर कौन सा मिसमैच्ड है वो आपको बताना है। सो ए ऑड टू द बेस्ट विन टेरेजा रिमा, ऑन इज ब्लाइंडनेस हीरोइक क्वाट्रेन, एडोनिस स्पेंसेरियन स्टेंजा, ट्रॉयलस एंड क्रसीदे रॉयम रॉयल, यानी कि और टू द बेस्ट विन तो टेरेजा रिमा में लिखी गई है तो ये आपका सही हो जाएगा। एडोनिस स्पेंसेरियन स्टेंजा में लिखी है शैली के द्वारा, ये भी सही हो गया आपका। ट्रॉयलस भी क्रसीदे रॉयम रॉयल में लिखी गई है शेक्सपियर द्वारा, लेकिन जो आपका इनकरेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि हीरोइक क्वाट्रन यहाँ दे रखा है जबकि ये लिखी गई है ऑक्टेव में, मतलब एक पिटारकन सोनेट है तो इसकी जो स्टार्टिंग जो लाइन है 8 लाइन वो ऑक्टेव है एक, और लास्ट का जो लाइन है इसकी वो सेस्टेट है, यानी क्वाट्रन यहाँ कहीं भी नहीं है, क्वाट्रन होता ही नहीं है पिटारकन सोनेट में। सो आपका बी वाला जो है यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन UPSC GIC 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू मिल्टन्स पोइट्री, यानी कि मिल्टन की पोइट्री से कौन सा जो स्टेटमेंट है मैच नहीं करता है।
तो देखिए मिल्टन्स की जो पोइट्री होती है वो कंबाइन होती है कन्फ्लिक्टिंग कल्चर ह्यूमैनिज्म एंड प्यूरिटेनिज्म, है ना, ये दोनों क्वालिटी उनकी पोइट्री में होती हैं। इट्स सबलाइम बोथ दो एंड स्टाइल, ये भी इनकी पोइट्री में मिलता है, तो ये दोनों इसके सही हो जाएंगे। इट इज़ टोटली ऑब्जेक्टिव एंड फुल ऑफ ह्यूमर, फुल ऑफ ह्यूमर नहीं है मिल्टन, मिल्टन बहुत सीरियस पोइट हैं, वो ह्यूमर यूज़ नहीं करते हैं। इट इज़ रिटन इन राइम रॉयल, राइम रॉयल भी बिल्कुल भी मिल्टन ने यूज़ नहीं किए कहीं भी, वो लिखते थे ब्लैंक वर्स में, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये देखिए, वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड इज नॉट, नॉट पूछा है जो क्वालिटी नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 एंड 4 जो लास्ट वाली है, एक तो ह्यूमर वाली और ये उनकी क्वालिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, लेट मी इन सॉफ्ट लाइडियन एयर्स मैरिड टू इमॉर्टल वर्स सच एज द मीटिंग सोल मे पायर्स इन नोट्स विद मैनी ए वाइंडिंग बोट। तो ये जो लाइन्स हैं लेट मी अ वाइंडिंग बोट द एवर लाइन्स आर अपीयर इन, ये लाइन्स कहाँ अपीयर होती हैं, सो दिस लाइन आर अपीयर्स इन एल एलिग्रो बाई मिल्टन, मिल्टन का जो वर्क है एल एलिग्रो उसमें ये लाइन्स अपीयर होती हैं। और देखिए ये क्वेश्चन यूपी टी जी टी 2021 में आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है इसका, द एवर लाइन लैब मी वाइंडिंग बोट अपीयर इन एल एलिग्रो रिटन इन 1631 एंड पब्लिश इन 1645 इन पोइम्स बाई मिल्टन। एल एलिग्रो गिव्स एन अकाउंट ऑफ द वेरियस इंटरेस्ट प्लीजर टेस्ट एंड डेस्टिनी ऑफ चीयरफुल मैन, द चीयरफुल मैन एन्जॉय द प्लीजर ऑफ स्वीट म्यूजिक टू कीप ऑफ वरीज एंड केयर्स, ही वॉन्ट टू इन्जॉय सच स्वीट म्यूजिक एज वुड हैव मेड इवन ऑर्फियस द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ ब्रूस। ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये भी टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है और ये तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सियल क्वेश्चन है, मिल्टन ऑन शेक्सपियर, मिल्टन की एक सोनेट है ऑन शेक्सपियर, वो पब्लिश कब हुई थी, तो ये हुई थी 1630 में। आपका आंसर हो जाएगा ए सही, यूपी टीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मिल्टन ऑन शेक्सपियर सोनेट वॉज पब्लिश्ड इन 1630, सो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम, यानी कि ये वाली जो लाइन्स हैं ये कौन सी पोइम से ली गई हैं, तो ये बहुत फेमस लाइन है, ये भी टीजीटी 21 में आया है क्वेश्चन, जिन लोगों ने टीजीटी दिया होगा 21 में उन्हें पता होगा ये टीजीटी में आया था, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाई मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डज सैटर्न नॉट टेक इन पैराडाइज लॉस्ट, यानी कौन सी जो फॉर्म है वो सैटर्न ने एज्यूम नहीं की है पैराडाइज लॉस्ट में, यानी कि वो जब जब उसको मतलब हेवन से निकाल दिया जाता है तो वो तरह तरह की जो शेप है उनमें अपना मतलब डिसगाइज हो जाता था, रूप बदल बदल कर वो करता था सब कुछ, तो स्नैक बनता था वो, कभी कभी कॉर्मोरेंट बनता था, कभी चरब बना है, एक 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 आउल नहीं बना है वो, बाकी सब कुछ बना है, सो आपका डी वाला सही हो जाएगा। देखिए यह लिख रहा है, सैटर्न डज नॉट टेक द फॉर्म ऑफ आउल इन पैराडाइज लॉस्ट, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न ने कोई फॉर्म आउल की कोई फॉर्म नहीं ली है। नोट, जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोइम इन ब्लैंक वर्स फर्स्ट पब्लिश इन 1667 इन 10 बुक्स एंड 1676 इन 12 बुक्स। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ठीक है, यहाँ पर सारी शेप्स लिखी हैं, चेरा बनता है वो, कॉर्मोरेंट बनता है और टोड बनता है, स्नैक बनता है, बट क्या नहीं बनता, आउल नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन डैश वर्स, कौन सी वर्स में वो लिखा गया है, सो पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ब्लैंक वर्स पूछा गया है DSSB PGT फीमेल 2021 में ये पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, हु गार्ड्स द गेट ऑफ हेल इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट में जो हेल है उस पर कौन, उसके गेट पर कौन पहरेदारी करता है, सो यहाँ पर सैटर्न की डॉटर सिन, डी आपका सही हो जाएगा, वो यहाँ पर गार्ड करती है गेट को,
ये 21 में पूछा गया है DSSB में. देखिए यहाँ पे सिन गार्ड्स द गेट ऑफ हेल, सो डी इज द राइट आंसर. मिल्टन्स पैराडाइज लॉस इन सैटर्न्स डॉटर हु स्प्रैंग फुल फॉर्म फ्रॉम सैटर्न हैड वॉज स्टिल इन हैवन. सिन हैज़ द शेप ऑफ ए वोमैन वोमैन एंड द वेस्ट एबव द वेस्ट दैट ऑफ ए सरपेंट ब्लो. यानी कि जो वेस्ट से ऊपर का पोर्सन है वो एक वोमैन की तरह है उसका, और वेस्ट से नीचे का जो पोर्सन है वो उसका सरपेंट मतलब स्नैक की तरह. एंड हर मिडल इज रिंग अबाउट विद हेल हॉर्न्स हु पीरियोडिकली ब्यूरो इन टू हर वॉर्म इन द ग्रो इन हर एंड ट्रेल सी गार्ड द गेट ऑफ हेल. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 18. लिसीडस बाई जॉन मिल्टन इज एन. लिसीडस क्या है जॉन मिल्टन के द्वारा जो लिखी गई है. सो एक एलेजी है जो कि लिखी गई ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग इन 1637. एक पेस्टरल एलेजी है जो कि उनके कॉलेज फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पर उन्होंने लिखी थी. क्वेश्चन नंबर 19. जॉन मिल्टन्स एरियोपेजिटिका वाज अबाउट फ्रीडम ऑफ. यानी कि एरियोपेजिटिका जो वर्क है मिल्टन का वो किसकी फ्रीडम पर है लिखा है उन्होंने. स्पीच रिलीजन क्रिटिसिज्म या फिर थॉट. तो ये स्पीच है फ्रीडम ऑफ प्रेस पर उन्होंने लिखा था जो कि आया था उनका ये वर्क 1644 में. बहुत फेमस वर्क है, एक प्रोज वर्क माना जाता है ये और बार 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 TGT में रिपीट होता आया है. देखिए जॉन मिल्टन्स एरियोपेजिटिका 1644 वाज अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच. एरियोपेजिटिका इन फुल एरियोपेजिटिका स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइंस प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट. क्वेश्चन नंबर 20. देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ जॉन मिल्टन. कौन सा वर्क जॉन मिल्टन का नहीं है. सो एल एलिग्रो उन्हीं का वर्क है. वीनस एंड एडोनिस ये जो वर्क है ये जॉन मिल्टन का नहीं है. ये वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएम नैरेटिव पोएम बाय विलियम शेक्सपियर. सो ये आपका आंसर हो जाएगा. बाकी जो वर्क हैं लिसीडस एपिटेफियम डेमोनिस ये सारे वर्क जो हैं जॉन मिल्टन के हैं. सो आंसर आपका हो जाएगा बी. ये भी DSSB PGT Mail 2021 में पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर देखिए 21. हाउ मैनी बुक्स डज पैराडाइज रीगेंड कंसिस्ट ऑफ. यानी कि जो पैराडाइज रीगेंड है वो कितनी बुक्स में समाहित है. तो ये है आपकी इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वही ये उसका ओरिजिनल टाइटल ही ये है पैराडाइज रीगेंड ए पोएम इन 4 बुक. जब ये पोएम 4 बुक में इसका टाइटल है तो ऑब्वियसली आंसर आपका क्या हो जाएगा. सी आपका राइट आंसर हो जाएगा. 4 बुक में है, 21 में पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 22. इन विच ईयर जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न. जॉन मिल्टन कब बॉर्न हुए थे. सो जॉन मिल्टन बॉर्न हुए थे 9 दिसंबर 1608 को एंड डाइड हुए थे 8 नवंबर 1674 को. सो आपका ए आपका सही आंसर हो जाएगा. बैड स्ट्रीट इन लंदन UK. देखिए बॉर्न 9 दिसंबर 1608 ब्रैड स्ट्रीट लंदन UK एंड डाइड 8 नवंबर 1674 बर्न हिल रोड लंदन UK. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 23. विच पोइट मेड इलस्ट्रेशंस फॉर इल पेंसर्सो. यानी कि इल पेंसर्सो जो वर्क है मिल्टन का इसको किसने इलस्ट्रेट किया है. सो आपका आंसर हो जाएगा ब्लैक. ब्लैक ने इस पर वर्क किया है. विलियम ब्लैक मेड इलस्ट्रेशंस फॉर इल पेंसर्सो Written by belated Elizabethan poet John Milton, Il Pensiero means a thoughtful man. Question number 24. Which text
ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन अपीयर इन, कौन से वर्क में ये लाइन अपीयर होती है मिल्टन के, दाउ कैन नॉट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड, कि तुम मेरे माइंड की फ्रीडम को टच नहीं कर सकते, सो दिस वर्क इज कॉमर्स, कॉमर्स बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ये एक मास्क है जो कि आई थी 1634 में। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, जॉन मिल्टन स्टडीड, ये कहाँ इन्होंने अपनी पढ़ाई करी थी, सो जॉन मिल्टन वाज बॉर्न 9 दिसंबर 1608 ब्रैड स्ट्रीट लंदन, ही स्टडीड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ही वाज एन इंग्लिश पोइट एंड इंटेलेक्चुअल हु सर्व एज सिविल सर्वेंट फॉर द कॉमनवेल्थ इंग्लैंड, सो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज में पढ़े थे ये, क्राइस्ट कॉलेज में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट वॉज मिल्टन बाई मिल्टन कंटेंस, कितनी बुक में समाहित है मिल्टन का वर्क, सो इट इज ये 12 बुक्स में है, सो बी आपका सही हो जाएगा, ऑरिजिनली ये आया था 10 बुक्स में, लेकिन बाद में 1674 में इन्होंने 7 बुक एंड 10 बुक को डिवाइड कर दिया था, तो ये 12 बुक में इन्होंने कर दिया था, ये इनकी लास्ट फेज में 12 बुक में आया था। देखिए एक्सप्लेनेशन भी मैं इसकी रीड कर देती हूँ आप लोगों के लिए, द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाई मिल्टन कंटेंस 12 बुक, इट इज़ एन एपिक पोइम इन ब्लैंक वर्स, फर्स्ट वर्जन ऑफ दिस एपिक वॉज पब्लिश इन 1667 कंसिस्टेड ऑफ 10 बुक्स, तब ये 10 बुक्स में आया था स्टार्टिंग में, सेकेंड एडिशन जब इसका आया ऑफ दिस एपिक फॉलोड इन 1674 अरेंज इन टू 12 बुक, ये 12 बुक में था, जॉन मिल्टन एपिक पैराडाइज लॉस्ट इज ऑरिजिनली रिटन इन 10 बुक्स, यानी कि जो ऑरिजिनली जब ये लिखा है तो ये उन्होंने 10 बुक्स में लिखा था, बाद में उन्होंने 7 बुक को और 10 वाली जो बुक थी इनकी बहुत ज़्यादा लेंदी थी, तो इसको इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसकी 12 बुक हो गई, और जो कि इन्होंने 74 में फिर इसको पब्लिश करा दिया 12 बुक से। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम इज नॉट कम्पोज बाई जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सी पोइम रची नहीं गई है, सो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ए ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एल एलिग्रो, एल पेंसरसो एंड ट्रू लव, सो यहाँ पर ट्रू लव इज नॉट कम्पोज्ड बाय मिल्टन बिकॉज दिस इज कम्पोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर, सो आपका सी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए इसकी, ट्रू लव इज नॉट कम्पोज्ड बाय मिल्टन, इट इज कम्पोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर, विच इज सोनेट नंबर 116, वेदर अदर ऑप्शन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एल एलिग्रो, एल पेंसरसो आर कंपोज्ड बाई मिल्टन। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, हु इज एट वंस द चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड द रिफॉर्मेशन, यानी कि किसको रेनेसा का और रिफॉर्मेशन का चाइल्ड माना जाता है, सो मिल्टन को रेनेसा का चाइल्ड माना जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर देखिए इसका मिल्टन, मिल्टन इज कंसिडर्ड एज ए चाइल्ड ऑफ रेनेसा, ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जॉन मिल्टन इज नोन एज द चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, ही वॉज बॉर्न ऑन 1608 एंड डाइड इन 1676, ही हैज़ रिटन मैनी थिंग्स इन इंग्लिश लिटरेचर एज ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, लिसिडस कॉमस ETC, सो ये इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टरल एलर्जी रिटन बाई मिल्टन, मिल्टन द्वारा लिखी गई कौन सी पेस्टरल एलर्जी है, सो आपका ए लिसिडस सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू सजेस्ट दैट सैटर्न इज द रियल हीरो पैराडाइज लॉस्ट, हिमाचल प्रदेश में पूछा गया है PGT 2016 में ये क्वेश्चन, सो आपका ये सही हो जाएगा बी वाला, विलियम ब्लैक, यानी विलियम ब्लैक ने सबसे पहले सजेस्ट किया था कि जो ये पैराडाइज लॉस्ट एपिक है मिल्टन का, इसका जो हीरो है, रियल हीरो है, वो सैटर्न है, ये क्यों किया था, कहा था उन्होंने ये इस संदर्भ में कहा था, क्योंकि यहाँ पर जो मिल्टन है, मिल्टन ने जो सैटर्न का करैक्टर है उसको ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है बजाय गॉड के, सो उन्होंने जब पहले भी एक कमेंट उन्होंने किया कि जो मिल्टन है, मिल्टन वॉज ऑफ डेवल पार्टी विदाउट नोइंग इट, ये कमेंट उन्होंने किया, और उन्होंने ही सबसे पहले सजेस्ट किया कि सैटर्न इज़ द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। सो गाइज ये थे 30 क्वेश्चंस ऑन जॉन मिल्टन,
जो कि आज हमने कर लिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं जॉन मिल्टन के जितने भी हैं, उन्हें मैं पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री करके अपलोड करती रहूँगी। सो अगर आपको ये कलेक्शन अच्छा लगा है तो चैनल से जुड़े रहिएगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन नंबर 31, मिल्टन कंपोज्ड एरोपैजिटिका इन 1644। तो ये किस फॉर्म में उन्होंने कंपोज की थी? ये एक पोइट्री है, या ड्रामेटिक फॉर्म है, या नन ऑफ दीज है, या प्रोज है? तो ये एक प्रोज वर्क है उनका जो कि उन्होंने कंपोज किया था 1644 में। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इम्पेल्ड मिल्टन, क्या इम्पेल्ड करते हैं मिल्टन द प्यूरिटन टू एम्प्लॉय द मास्क एंड कंपोज कॉमर्स? कॉमर्स को जो उन्होंने कंपोज किया है मास्क, उसके लिए वो क्या उसमें मतलब उन्होंने किस पर जोर दिया है? सो टू एम्फाइज द वर्च्यू ऑफ एन इंडिविजुअल ओवर डिबाउचरी इन द कोर्ट। तो आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, देखिए, विच एपिक कन्वेंशन दैट मिल्टन फॉलोड पैराडाइज लॉस्ट इज मिसिंग इन दिस लिस्ट। यानी कि कौन सी एपिक इन्वेंशन कन्वेंशन पैराडाइज लॉस्ट में मिसिंग है? नोबल थीम, इन्वोकेशन टू म्यूज, डिप्लॉयमेंट ऑफ हीरोइक फिगर्स, बिगिनिंग इन द मिडिल। यानी कि जितने भी एपिक कन्वेंशन होते हैं वो सब कुछ है इसमें। इसकी थीम नोबल है, इन्वोकेशन से शुरू होता है म्यूज के, डिप्लॉयमेंट किया गया है हीरोइक फिगर्स को, बिगनिंग इन द मिडल, मिडल से इसकी शुरुआत होती है। स्टाइल भी इसका क्या है? एलेवेटेड स्टाइल है, एंड डिस्क्रिप्शंस इम्प्रेसिव, कैटालॉग वाज लाइक स्पीचेस, सुपर नेचुरल मशीनरी का यूज़ किया गया है, एंड यूज ऑफ सुपर नेचुरल एलूजन्स। यानी कि जो एक एपिक में होना चाहिए वो सब कुछ मिल्टन ने इसमें यूज़ किया है पैराडाइज लॉस्ट में। तो यहाँ आपसे पूछा ये जा रहा है कि मिसिंग क्या है इसमें, इस लिस्ट में जो नहीं है वो कौन सी डिवाइस रह गई जो मिस हो गई। सो यूनिटी ऑफ एक्शन यहाँ पर नहीं है देखने को मिलता। सो आपका ए आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक्शन है वो तीन जगह सेट है, हेल, हेवन एंड अर्थ। सो यूनिटी ऑफ एक्शन इज मिसिंग हेयर। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, स्टडी द लाइन्स फ्रॉम मिल्टन सोनेट एड्रेस टू द नाइटिंगल। यानी कि ये जो सोनेट है मिल्टन की, इसकी लाइन्स को आपको स्टडी करना है, इनको स्टडी करिए। नाउ टाइमली सिंग इट द रूड वर्ड ऑफ हेट, फोर टेल माई होपलेस डूम, इन सम ग्रोव नाय। वाट इज द रूड वर्ड ऑफ हेट रेफर्ड टू हेयर। यानी कि रूड वर्ड ऑफ हेट कौन है यहाँ पर, किसको ये लाइन्स है जो रेफर की जा रही है? तो मिल्टन की एक सोनेट है ओ नाइटिंगल, उसमें दो वर्ड्स के बीच में कंट्रास्ट दिखाया गया है। यानी कि नाइटिंगल इज अ सिंबल ऑफ लव, एंड जो कुकू है इज अ सिंबल ऑफ हेट। तो रूड वर्ड ऑफ हेट इस कुकू को यहाँ पर रेफर किया गया है। और जो नाइटिंगल टू ए नाइटिंगल से कन्फ्यूज़ यहाँ मत होना, वो जॉन कीट्स की ऑड है, ये एक सोनेट है जो कि मिल्टन ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 35, अ क्रूसियल आस्पेक्ट ऑफ मिल्टन्स डाइवर्जेंस फ्रॉम द पिटारकन सोनेट ट्रेडिशन कंसर्न नॉट ऑन एम्प्लॉयड और द ऑकेजनल नेचर ऑफ ए सोनेट बट ऑल्सो डैश। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये है कि क्रूशियल एस्पेक्ट है मिल्टन के जो सोनेट पैटर्न का, कि वो पिटारकन सोनेट लिखते हैं। पिटारकन सोनेट बेशक वो लिखते हैं, लेकिन कहीं भी उनकी जो पिटारकन सोनेट है उसमें कहीं भी लव थीम नहीं है। जबकि जो पिटारकन सोनेट थी ना, वो उनकी स्टार्टिंग पिटार्क पोइट से मानी जाती है, पिटार्क ने ही उसको फेमस किया था। तो वो लव सोनेट ही लिखते थे। तो यहाँ मिल्टन की सोनेट में कोई भी लव स्टोरी नहीं होती है, वो लिखते हैं सोनेट हमेशा
मतलब उनका टॉपिक अलग ही होता है, वो कभी भी उन्होंने लव को यहाँ स्थान नहीं दिया है, इसलिए ये क्रूशियल एस्पेक्ट इसको बता रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, इसका आंसर हो जाएगा द रिजेक्शन ऑफ आइडियलिक लव पोइट्री, यानी कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है लव पोइट्री को, लव पोइट्री को उन्होंने जगह नहीं दी है ट्रेडिशन ऑफ एलिजाबेथन्स, जबकि जो एलिजाबेथन पोइट थे उनकी एक परंपरा थी कि लव पोइट्री को स्थान देना। तो ये उनका क्रूशियल एस्पेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। इन विच वर्क मिल्टन स्टेट्स दैट वाइल द स्टिल मॉर्न वेंट आउट विद सैंडल्स ग्रे, ये जो लाइन है कहाँ अपीयर हो गई हैं, तो ये लिसीडस में अपीयर होती हैं, जो ये TGT 2016 में ये लाइन्स आई थी। लिसीडस उनकी एक एलर्जी है जो लिखी गई उनके फ्रेंड एडवर्ड किंग के ऊपर इन 1637। क्वेश्चन देखिए 37। थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन, यानी कौन से वर्क में उन्होंने वे ऑफ गॉड टू मैन जस्टिफाई किया है। सो दिस इज़ अ फेमस वर्क बाय मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट विच गेव हिम नेम एंड फेम एंड विच केम इन 1667। ये उनका मैग्नम ओपस माना जाता है पैराडाइज लॉस्ट, जिसमें उन्होंने जस्टिफाई किया वे ऑफ गॉड टू मैन। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। क्वेश्चन नंबर 38। इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द करेक्टर डेलिया अपीयर, यानी कि कौन से वर्क में डेलिया अपीयर होती है। सो दिस इज अपीयर इन सैमसन एगोनिस, सो डी इज़ राइट हेयर। डेलिया जो है सैमसन की वाइफ है और ये अपीयर होती है सैमसन एगोनिस में, जो कि आया था इनका 1671 में, और ये एक ट्रेजिक, ये एक क्लोजर ड्रामा है उनका, ट्रेजिक क्लोजेट। क्वेश्चन नंबर 39। इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट ऑरेव रेफर्स टू, ओपनिंग जो इन्वोकेशन हुआ है, आवाहन जिसको कहते हैं हम, इन पैराडाइज लॉस्ट में जो फर्स्ट इन्वोकेशन किया है जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में, वो किया है गॉड ये ऑरेव को, जो रेफर करता है माउंट हॉरेब। सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। इन स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विच हुम मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ, यानी कि जो अपना जो उनका ब्लाइंडनेस है उससे उन्होंने किससे कंपेयर नहीं किया है अपने आप को। तो यहाँ पर ब्लाइंड थेमियस टायरेसिस है, ब्लाइंड म्योनडिस है, ये सब हैं, ये लोग अंधे थे बेसिकली, और यहाँ पर उन्होंने लिसीडस से कंपेयर नहीं किया, क्योंकि लिसीडस तो एक पोएम है ना, तो लिसीडस से कैसे कंपेयर कर लेंगे। बाकी ये सब हैं, इनसे इन्होंने अपने आप को कंपेयर किया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। हु इज ऑफन कॉल्ड द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर, पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर किसको बोला जाता है, जॉन मिल्टन को बोला जाता है ये, और ये उन्होंने ये वर्ड उनको बोला था सबसे पहले जॉन ड्राइडन ने, उनको बोला था पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन वर्क, यानी कि कौन सा जॉन मिल्टन का वर्क नहीं है। तो ऑफ एजुकेशन 1644 में आया, लिसीडस 1637 में आया, पैराडाइज लॉस 1667 में आ गया। तो यहाँ पर जो मिसमैच्ड है ना, वो एरियोपैजिटिका है, क्योंकि ये 1647 यहाँ दे रखा है, यहाँ पर बस डेट की मिस्टेक है, ये आया था 1644 में। ओके, क्वेश्चन 43 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टरल एलर्जी, इन वर्क्स में से पेस्टरल एलर्जी कौन सी है। सो एलर्जी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, ये तो थॉमस ग्रे की है।
और इन मेमोरियन ये सटैनिशन की है, ड्यूनो एलर्जी ये भी किसी और की है, सिर्फ लेसिडस एक ऐसी एलर्जी है जो मिल्टन की लिखी गई है, तो आपका आंसर सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, मिल्टन पैराडाइज रीगेंड टेक्स इट्स थीम फ्रॉम, यानी कि मिल्टन ने अपनी जो पैराडाइज रीगेंड उन्होंने उनका जो वर्क आया इसकी थीम कहाँ से ली गई है, ली है सो सेंट ल्यूक गॉस्पल से उन्होंने इसकी थीम ली है। एक्चुअली ये ल्यूक गॉस्पल्स, ये जो टेस्टामेंट है बाइबल का न्यू टेस्टामेंट, उसमें चार गॉस्पल्स हैं, ल्यूक, मैथ्यू और दो और हैं, उनमें से जो सेंट ल्यूक हैं उनसे इन्होंने अपनी थीम ली है। क्वेश्चन नंबर 45, हु रिमार्क अबाउट हिज फादर एज गिविन ब्लू, कौन यहाँ पर रिमार्क कर रहा है अपने फादर के बारे में, माई फादर डेस्टाइंड मी फॉर माई इन्फेंसी टू द स्टडी ऑफ पोलाइट लिटरेचर विच आई एम्ब्रेस्ड विद सच एविडिटी दैट फ्रॉम द एज ऑफ 12 आई हार्डली एवर रिटायर्ड फ्रॉम माई बुक्स बिफोर मिडनाइट। तो जॉन मिल्टन कह रहे हैं अपने फादर के बारे में कि उन्होंने उन्हें इंस्पायर किया था पढ़ने के लिए, और वो इतना अच्छे से इंस्पायर हुए अपने फादर से कि फिर एज ऑफ 12 यानी कि 12 की एज से उन्होंने हार्डली कभी भी अपना जो, मतलब जो बुक्स हैं उनसे वो बिफोर मिडनाइट यानी आधी रात से पहले वो कभी भी नहीं सोए फिर उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाई जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन का वर्क कौन सा नहीं है, ऑफ एजुकेशन, एरोपेजिटिका, ऑन शेक्सपियर एंड डी अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। तो ऑफ एजुकेशन, एरोपेजिटिका ये 1644 में आए दोनों वर्क, प्रोज वर्क हैं इनके जॉन मिल्टन के, ऑन शेक्सपियर उनकी पोएम है, एंड अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड ये इनका वर्क नहीं है, ये वर्क एसोसिएटेड है थॉमस प्रियोर से। तो आपका आंसर डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाई जॉन मिल्टन, कौन सा वर्क जॉन मिल्टन द्वारा नहीं लिखा गया है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन द लेट मासेकर पिडमंट, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, द पैसिनेट पिलग्रम। तो ये जो सारे वर्क हैं इनमें से कौन सा वर्क नहीं है मिल्टन का, तो मिल्टन का वर्क नहीं है पैसिनेट पिलग्रम, ये एक एंथोलॉजी है ऑफ 20 पोइम्स जो कि डेडिकेट है शेक्सपियर के लिए, ये मिल्टन का वर्क नहीं है। बाकी सारे ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन द लेट मासेकर ऑफ पिडमेंट एंड ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये सारे वर्क मिल्टन के हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी कि मिल्टन की जो सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एक सोनेट है मिल्टन की, इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ ए प्रीकर्सर टू लिसीडस, ये गलत है क्योंकि ये तो लिसीडस के बाद में लिखी गई है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ ए कर्टेल सोनेट, तो ये कर्टेल सोनेट भी नहीं है। मिल्टन डिड नॉट गिव अ टाइटल टू हिज सोनेट, द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाई लेटर एंथोलॉजिस्ट एंड डी नन ऑफ द एवर। तो आपका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, क्योंकि ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये मिल्टन द्वारा टाइटल नहीं दिया गया था, ये बाद में एंथोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया था ये टाइटल, जब कलेक्टिवली इनकी पोइट्री को पब्लिश किया गया था। सो आपका सी सही हो जाएगा। देखिए, मिल्टन डिड नॉट, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, मिल्टन डिड नॉट गिव द टाइटल दिस सोनेट, इट वॉज असाइंड अ सेंचुरी लेटर बाई थॉमस न्यूटन इन हिज एडिशन ऑफ मिल्टन्स पोइट्री 1761 में इन्होंने मिल्टन पोइट्री को पब्लिश किया था एडिशन को, तब इन्होंने उनको ये टाइटल दिया था इस पोइम को। क्वेश्चन नंबर देखिए 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिफरेंस टू जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन के रिफरेंस में, संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सो देखिए, इन 1671 मिल्टन इश्यू हिज लास्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री विच कंटेन्ड पैराडाइज रीगेंड
पैराडाइज रीगेंड एंड सैमसन एगोनिस, तो ये सही है क्योंकि इनका जो लास्ट फेज में ही इनका पैराडाइज रीगेंड एंड सैमसन एगोनिस आया था। बी, पैराडाइज रीगेंड इज़ ब्रीफर एंड पुअरर दैन पैराडाइज लॉस्ट, तो आपका बी वाला सही हो जाएगा, ये इससे छोटा भी है और सब है, बाकी सब सैमसन एगोनिस्ट, सॉरी सैमसन एगोनिस्ट इन फॉर्म हैज़ नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, आपका आंसर जो है सी वाला हो जाएगा क्योंकि जो सैमसन एगोनिस्ट है ये नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन ये लिख रहा है यहाँ पर, जबकि इसमें तीनों यूनिटी का ध्यान रखा गया है, जो यूनिटी होती है यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन एंड यूनिटी ऑफ प्लेस, तीनों का ध्यान इसमें रखा गया है, और जबकि यहाँ पर कह रहा है कि नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, तो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, हाउ अकॉर्डिंग टू मिल्टन इन हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस डज वन बेस्ट सर्व गॉड, यानी कि मिल्टन के अकॉर्डिंग उनकी जो सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उनकी सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसमें कौन सी बेस्ट सर्विस है भगवान के लिए, सो उनके हिसाब से बी आपका सही हो जाएगा, बाई सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली, यानी कि बस भगवान को अपनी इच्छा को बता दो शांति से और भगवान पर छोड़ दो सब कुछ, भगवान अपने आप हैंडल कर लेता है सारी आपकी चीज़ों को। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, मिल्टन्स फर्स्ट वर्क इज, मिल्टन का पहला वर्क कौन सा था, सो मिल्टन का पहला वर्क है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, जो कि आया था 1629 में एट द एज ऑफ 21। क्वेश्चन नंबर 52, जॉन मिल्टन्स लिसिडस एंड मैथ्यू, जॉन मिल्टन्स लिसिडस एंड मैथ्यू अर्नोल्ड थायरसिस आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो लिसिडस है बिल्कुल वही वैसे ही मैथ्यू अर्नोल्ड ने थायरसिस लिखी है, तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये एग्जाम्पल हैं एक पेस्टरल एलर्जी के, क्योंकि ये इन्होंने मिल्टन ने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग के लिए लिखी, जबकि मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने फ्रेंड आर्थर ह्यूज क्लिफ के लिए लिखी। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम डिड मिल्टन राइट इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट, यानी कौन सी पोएम को मिल्टन ने ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखा है, सो आपका ए इज द राइट आंसर, ए यहाँ पर सही हो जाएगा, इल पेंसरसो, इल पेंसरसो को उन्होंने ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 54, द फ्रेज बॉटमलेस पर्डिशन अकर्स इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, यानी कि जो ये फ्रेज है बॉटमलेस पर्डिशन ये कहाँ पर मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इन, कौन सी बुक में ये मिलता है पैराडाइज लॉस्ट की, तो ये मिलता है बुक फर्स्ट में, क्योंकि बुक फर्स्ट में ही मिल्टन ने सैटर्न को ग्लोरीफाई किया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 55 क्वेश्चंस, इट अपीयर्स दैट इन पैराडाइज लॉस्ट बुक वन मिल्टन बिलोंग टू डेवल पार्टी विदाउट नोइंग इट, हु अमंग द फॉलोइंग मेड दिस स्टेटमेंट, यानी कि वो डेवल पार्टी से हो गए बिना इसके जाने, ये किसने उनको स्टेटमेंट किया है, ये बहुत फेमस कोट है और जो विलियम ब्लैक ने ये क्रिटिसाइज किया है मिल्टन को, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि UGC नेट दिसंबर 2007, TGT 2010-11, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, तो विलियम ब्लैक ने ये कमेंट किया कि वो बिलोंग करते हैं डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, इसके पीछे कारण क्या है कि जो मिल्टन है उन्होंने ग्लोरीफाइड कर दिया है सैटर्न को ज़्यादा, गॉड से ज़्यादा, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो डेविल की पार्टी के हो गए हैं, इसलिए उन्होंने ये कमेंट किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 56, व्हाट इज़ एल एलिग्रोज कंपेनियन पीस कॉल्ड, यानी कि जो एल एलिग्रो वर्क है इनका, इसका कंपेनियन पीस किसको बोला जाता है, तो इसका कंपेनियन पीस बोला जाता है एल पेंसरसो को, यानी कि ये जो पेंसरसो, एल पेंसरसो एंड एल एलिग्रो, ये दोनों कंपेनियन पोएम है, लैटिन पोएम है, इन दोनों को कंपेनियन पीस बोला जाता है, जो कि ये कंपोज हुई थी 1631 में एंड पब्लिश हुई थी 1645 में और कंपोज हुई थी 1631 में। क्वेश्चन नंबर देखिए 57, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड ग्रुप, यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्टली मैच्ड ग्रुप को, ठीक है, तो लिस्ट वन लिस्ट टू से इसको करना है, UGC नेट दिसंबर 2012 में पूछा गया है, लिस्ट वन देखिए यहाँ पे एल एलिग्रो एंड एल पेंसरसो, तो ये क्या है, तो ये कंपेनियन पोइम्स हैं आपकी, तो ये 5 से मैच हो जाएगा यहाँ पर, 5 ये कंपेनियन पोइम्स हैं एंड ऑक्टोसिलेबिक कपलेट एंड लिसिडस तो एक पेस्टरल एलर्जी है, तो ये यहाँ पर
इससे मैच हो जाएगा। एंड कॉमर्स क्या है, एक मास्क की फॉर्म में लिखा है कॉमर्स को इन्होंने, जो 1634 में आई थी। ऑन हिज ब्लाइंडनेस उनकी एक सोनेट है, सो ये 3 से मैच करेगी। एंड लास्ट वन इज एरियोपैजिटिका, जो कि इनका एक प्रोज वर्क है, तो ये यहाँ पर 4 से मैच कर जाएगा। तो देखिए लिस्ट, तो आपका बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि 1 का जो है ना 5 है, सेकंड का 1 है ना, ये एल एलिग्रो एंड एल पेंसर, सो 5 से मैच कर रहे हैं। सेकंड का 1 पेस्टल एलर्जी एंड एरियोपैजिटिका यहाँ पर 4 से प्रोस्टेक्ट, तो आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम पॉइंट्स, इसमें कुछ एग्ज़ाम पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि इसमें पूछे तो नहीं गए, लेकिन ये एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन मिल्टन के बारे में तो इनको देख लेते हैं। दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ड अपार्ट, दाउ हैडस्ट अ वॉइस, तुम्हारे पास एक वॉइस थी, हुज साउंड वॉज लाइक द सी, जिसकी आवाज़ कैसी थी, सी, समुद्र की तरह। हु सैड एंड वेयर, किसने कहा है और कहाँ कहा है, तो ये जो कोट है ये वर्ड्सवर्थ ने कहा है अपनी सोनेट ऑन मिल्टन, उन्होंने मिल्टन के ऊपर एक सोनेट लिखी थी लंदन 1802, जिसका सबटाइटल है ऑन मिल्टन, जिसमें उन्होंने इस कोट को बोला है। एंड नेक्स्ट है, येट दाई हर्ट द लो लवलीएस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले, द लाइन्स आर अबाउट मिल्टन हु सैड वेयर, ये भी वर्ड्सवर्थ ने इन हिज सोनेट ऑन मिल्टन में ही बोली हैं। और फैक्ट्स देखिए, इसके अच्छे फैक्ट्स हैं। शेक्सपियर इज द पोइट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स ऑफ द लव, हेट, फियर्स, ज्वेलसी एंड एम्बिशंस दैट स्वेट ऑफ मैन ऑफ हिज एज। मिल्टन इज द पोइट ऑफ स्टेडफास्ट विल एंड पर्पज, हु मूव्स लाइक ए गॉड अमिड द फियर्स एंड होप्स एंड चेंजिंग इम्पल्सिस ऑफ द वर्ल्ड रिगार्डिंग दैम एज ट्रिवाइल एंड मोमेंट्री थिंग्स दैट कैन नेवर स्वेयर अ ग्रेट सोल फ्रॉम इट्स कोर्स, हुज कमेंट इज दिस, यानी कि ये कमेंट किसका है, तो ये लॉन्ग ने कमेंट किया है, मिल्टन और शेक्सपियर को कंपेयर किया है उन्होंने। देखिए नेक्स्ट, देखिए, ही इज़ अ पोइट आउट टू हिमसेल्फ टू ए ट्रू पोएम दैट इज़ ए कंपोजिशन एंड पैटर्न ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट ऑनरेबल थिंग्स, हु सैड, ये मिल्टन का ही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, बिफोर वन कैन राइट लिटरेचर which is the expression of the ideal, he must first develop in himself the ideal man, the lofty ideal of Fra Angelico. एंजेलिको, हु सैड, ये किसने कहा है, मिल्टन ने कहा, यानी मिल्टन, इसका मतलब है कि लिटरेचर लिखने से पहले जो इंसान लिटरेचर लिखता है उसके आइडिया कैसे होने चाहिए, वो उसके आइडिया बहुत आइडियल होने चाहिए, यानी खुद पहले अपने आप में उसको आइडियल होना चाहिए, तभी उसको आइडियल कंपोज आइडियल लिटरेचर को कंपोज करना चाहिए। भाई जब तक हम अच्छे नहीं हैं तो हम अच्छे विचार कैसे लिख सकते हैं, जब हम अच्छे होंगे तभी तो हम अच्छे विचार लिखेंगे, तो ये उनका मतलब है। Because Milton must know the best in humanity, whose comment is this? कि मिल्टन जो हैं जानते हैं कि क्या बेस्ट ह्यूमैनिटी है, ये कमेंट किसने किया है, लॉन्ग ने किया है। नेक्स्ट देखिए, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, है ना, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, हुज लाइन इज दिस, तो ये मिल्टन की लाइन है। नेक्स्ट देखिए, हिज स्टाइल वॉज अनकॉन्सियसली सबलाइम, उनकी स्टाइल कैसी है, सबलाइम है, बिकॉज ही लिव्ड एंड थॉट कॉन्सियसली इन ए सबलाइम एटमोसफेयर, हुज कमेंट इज दिस, लॉन्ग का है ये कमेंट अबाउट मिल्टन, यानी कि उनका जो थॉट है वो सबलाइम है, क्योंकि उनका जो एटमोसफेयर वो खुद सबलाइम है, इसीलिए उनके थॉट भी सबलाइम है, कहने का ये मतलब है, लॉन्ग ने मिल्टन के बारे में कहा है। नेक्स्ट देखिए, द ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज विगिन ऑन, यानी कि इनका फर्स्ट वर्क है, ऑड ऑन मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बिगिन ऑन क्रिसमस डे 1629, यानी क्रिसमस डे वाले दिन उन्होंने शुरू किया था, ये क्रिसमस डे वाले दिन 1629 को, जब ये 21 साल के थे, और ये इनका फर्स्ट वर्क माना जाता है जो कि 1629 में आया। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज मिल्टन मास्टर, मिल्टन का मास्टर किसे माना जाता है, स्पेंसर इज
considered as a master of Milton. Who wrote essay of Macaulay? Sorry, who wrote essay on Milton? Milton के ऊपर essay किसने लिखा है? ये Macaulay ने लिखा है, Macaulay. Milton is called, क्या बोला जाता है Milton को? So lady of क्राइस्ट वो बोले जाते थे, बिकॉज यहाँ गलत शायद लिख दिया है, लाइट लिख दिया है, क्योंकि उनके जो हेयर थे वो ब्राउन थे एंड उनका जो कॉम्प्लेक्शन था वो वेरी फेयर था, तो वे एक मासूम क्यूट मतलब गर्ल लगते थे, इसलिए उनको निकनेम दिया गया लेडी ऑफ क्राइस्ट. द एज ऑफ मिल्टन इज कॉल्ड, नेक्स्ट देखिए मिल्टन की जो एज है उसको क्या बोला जाता है? सो द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पल्पिट, गोल्डन एज बोला जाता है मिल्टन के एज को. अब क्वेश्चन शुरू हो गए यहाँ से, क्वेश्चन नंबर देखिए 58, क्वेश्चन 58 है. इन पैराडाइज लॉस्ट, इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स हिज हेवनली म्यूज यूरेनिया एट द बिगनिंग ऑफ कोर्स, किस में वो अपनी हेवनली म्यूज है यूरेनिया को इन्वोक करते हैं, आवाहन करते हैं, है ना, काव्य की देवी का. तो आपका आंसर हो जाएगा बुक 7 में, एक तो उन्होंने किया है, है ना, बुक 7 में और बुक 9 में. तो यहाँ पर डी वाला सही आ रहा है कि बुक 1 में एंड बुक 4 आर करेक्ट, क्योंकि बुक 4 में बुक 7 है, बुक 7 में देखने को मिलता है उनका इन्वोकेशन जब वो यूरेनिया को संबोधित करते हैं, और एक बुक में, एक बुक के अकॉर्डिंग बुक 9 में भी उनका. देखिए क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू हो गए 58, क्वेश्चन नंबर. इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स हिज हेवनली म्यूज, मिल्टन इन्वोक करते हैं, आवाहन करते हैं अपनी हेवनली म्यूज यूरेनिया का एट द बिगनिंग ऑफ कोर्स. तो आपको कोर्ट बताना है, बुक 1 में करते हैं, बुक 7 में करते हैं, तो आपका बुक 1 में एक तो हो गया, एक बुक 7 में, तो आपका जो कोड है वो 1 और 4th वाला कोड सही हो जाएगा. देखिए बुक 1 एंड 4th, यानी कि बुक 7 एंड बुक 1, सो डी इज़ द राइट हेयर. ये एक्सप्लेनेशन भी दी रखी है यहाँ पर, मिल्टन इन्वोक्स यूरेनिया इन बुक 1 एंड बुक 7. इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स ए म्यूज बट हिज टाइम इट इज़ यूरेनिया द म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, जो कि एस्ट्रोनॉमी की देवी है. मिल्टन रेफर्स टू हर इज क्रिश्चियंस टर्म एज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मच लाइक ए होली स्पिरिट. सो आपका आंसर हो जाएगा डी. क्वेश्चन नंबर 59 देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इज एन एलेजी, कौन सा, वेरी इजी क्वेश्चन, मिल्टन का कौन सा वर्क एक एलेजी है? सो लिसिडस ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग. क्वेश्चन नंबर 60 देखिए. इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 9th मिल्टन राइट्स दैट एडम वॉज ओवरकम विद डैश एंड सो एट द फॉरविडन फ्रूट अगेंस्ट द बेटर नॉलेज, यानी कि वो किससे ओवरकम हो जाता है और खा लेता है फॉरविडन फ्रूट को. सो फीमेल चार्म, ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा बुक 9th के अंदर. क्वेश्चन नंबर देखिए 61, क्वेश्चन नंबर 61, दैट ग्लोरी नेवर सेल हिज रेथ और माइट एक्सटॉर्ट फ्रॉम मी, ये जो कोट है ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 से. व्हाट ग्लोरी इज बीइंग रेफर्ड टू बाय सैटर्न, कौन सी ग्लोरी यहाँ पर रेफर की जा रही है सैटर्न के द्वारा? सो ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, द करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड, यानी करेज को नहीं त्यागना है और कभी झुकना नहीं है किसी के सामने. क्वेश्चन नंबर देखिए 62, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ एरियोपैजिटिका, यानी एरियोपैजिटिका के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इट वॉज पब्लिश्ड इन 1644, तो ये तो सही है. इट आर्ग्यू फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस प्रिंटिंग, ये भी सही है. इट प्लीड्स फॉर ब्रिटिश प्रिविलेज रिगार्डिंग फ्री ट्रेड, ये गलत है क्योंकि ट्रेड की कोई बात इसमें है नहीं है, ये तो फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड है ये वर्क उनका. और डी वाला भी सही है, इट इज़ स्पीच एड्रेस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, ये स्पीच बोली गई है, एड्रेस करती है स्पीच पार्लियामेंट को. तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, इट प्लीड्स फॉर ब्रिटिश प्रिविलेज रिगार्डिंग फ्री ट्रेड्स. क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर एग्जाम पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. देखिए पहला पॉइंट, मिल्टन वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय, मिल्टन बहुत प्रभावित थे फ्लेचर के एक वर्क से जिसका नाम है क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रिम्फ. ओके, नेक्स्ट वन इज
As ever in my great task, master I, this line is of Milton, who composed on his being arrived to the age of 23. यानी कि जो लाइन है ये कंपोज की गई है मिल्टन के द्वारा, कौन सी एज में? 23 एज में. ये पोएम है उनकी, ये यहाँ से उनकी पोएम का नाम है, ऑन हिज बींग अराइव टू द एज ऑफ 23. ये पूरी उनकी पोएम है. क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट देखिए. इन हिज डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स एंड टेट्राकॉर्डन मिल्टन रेपुडिएट. क्या इसमें रेपुडिएट करते हैं मिल्टन? तो मैरिज को लेकर, मैरिज के ऊपर उनके चार ट्रैक्ट आए थे 1643 से लेके 1645 तक. उनके चार ट्रैक्ट आए थे डिवोर्स के ऊपर, जिनमें से पहला था डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो डाइवोर्स है वो इनफिडेलिटी के ऊपर नहीं बल्कि टेम्परामेंट के ऊपर भी होना चाहिए. यानी कि इंग्लैंड में पहले एक प्रथा थी कि जो डाइवोर्स होता था ना वो इनफिडेलिटी के ऊपर होता था. यानी कोई वाइफ या कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को धोखा देता था उसके साथ, तो वो लोग डाइवोर्स ले सकते थे. लेकिन मिल्टन ने ये बोला कि इनफिडेलिटी के अलावा भी टेम्परामेंट एंड नेचर जब नहीं मिल रहा है दोनों का आपस में, तब भी डिवोर्स होना चाहिए. इसलिए उन्होंने ये अपने पैम्फलेट लिखे थे. नेक्स्ट है, फॉर आई थॉट इट बेस्ट टू बी ट्रैवलिंग एट माई ईज फॉर इंटेलेक्चुअल कल्चर वाइल माई फेलो कंट्री मैन एट होम वर फाइटिंग फॉर लिबर्टी हु गेव अप ट्रैवलिंग विद दिस प्ली. किसने दिए हैं ये लाइन्स? सो ये मिल्टन की लाइन्स हैं. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, इन द सोनेट मिल्टन मी थॉट आई सो माई लेट एस्पाउज सैंड मिल्टन सेलिब्रेट हिज. यानी कि एक वर्क है मिल्टन का, मी थॉट आई सो माई लेट एस्पाउज सैंड. इसमें मिल्टन क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो वो अपनी सेकेंड वाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं. यानी कि उन्होंने ये जो वर्क है वो डेडिकेट किया था अपनी सेकेंड वाइफ को. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हु कमेंटेड ऑन मिल्टन सेइंग दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशियंट टू. इस मैन ने हम सबको काट दिया है एंड एंशियंट टू, पुराने लोगों को भी. ड्राइमन ने उन पर कमेंट किया है मिल्टन पर. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द मीनिंग ऑफ एल एलिग्रो इज. एल एलिग्रो उनकी जो कंपेनियन पोइम्स हैं दो, ये इनका इसका मीनिंग क्या है? सो द जॉयज मैन और हैप्पी मैन. एंड एल पेंसरसो का मीनिंग होता है पेंसिव मैन. नेक्स्ट पॉइंट, विच पोइम्स ऑफ मिल्टन आर जॉयस ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन करेक्टर. यानी कि कौन सी पोइम्स हैं जो मिल्टन की एलिजाबेथन पोइम मानी जाती हैं. सो उनकी हॉर्स एंड पोइम्स को उनको एलिजाबेथन पोइम माना जाता है. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बोरो द आइडिया ऑफ द मास्क. यानी इंग्लैंड ने जो मास्क का आइडिया है, मास्क एक जनरे एक विधा है लिटरेचर में जिसमें काफ़ी वर्क कंपोज किए गए हैं. जैसे कॉमर्स है, कॉमर्स भी एक मास्क है जॉन मिल्टन का. तो यही बोल रहे हैं कि फ्रॉम वेयर, कहाँ से लिया था इंग्लैंड ने ये आइडिया मास्क का? तो ये इटली से बोरो किया था इन्होंने. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एरोपेजिटिका हाईलाइट. एरोपेजिटिका में क्या हाईलाइट होता है? फ्रीडम ऑफ प्रेस. नेक्स्ट है, पैराडाइज लॉस्ट इज इन. पैराडाइज लॉस्ट किस में लिखा गया है? सो इट वाज रिटन इन ब्लैंक वर्स. ब्लैंक वर्स में लिखा गया है. मोस्टली वर्क ही वो लिखते हैं ब्लैंक वर्स में. नेक्स्ट है, हु हैज़ डिस्क्राइब्ड पैराडाइज लॉस्ट एज अ ड्रीम ऑफ ए प्यूरिटन फॉलन एज स्लीप ओवर हिज बाइबल. तो लेमार्टाइन का स्टेटमेंट है ये. नेक्स्ट देखिए, मिल्टन्स लाइफ द पीरियड फ्रॉम 1632 टू 1637 इज पॉपुलरली नोन एज. यानी कि ये जो पीरियड है मिल्टन की लाइफ में 1632 से लेके 1637 का जो पीरियड है, ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये हॉर्सन पीरियड के नाम से उनका जाना जाता है. बेसिकली ये जगह है जब वो हॉर्सन में रहते थे, तो वहाँ उन्होंने बहुत सारी पोइम्स कंपोज की थी. तो जो पोइम उन्होंने वहाँ कंपोज की थी उन पोइम्स को कहा जाता है हॉर्सन पोइम्स, एंड इस पीरियड को कहा जाता है हॉर्सन पीरियड. सो ये हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए मिल्टन के बारे में. देखिए कुछ और फैक्ट्स भी हैं. मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यूज़
ऑन पोइट्री इन हिज पोइम, यानी कि पोइट्री के ऊपर उन्होंने अपने कौन सी पोइम में व्यूज दिए हैं। सो लिसिडस है ये इनकी पोइम जिसमें उन्होंने पोइट्री के ऊपर व्यूज दिए हैं। द एबिलिटी ऑफ द पोइट आर इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड रियली बेस्टोड हु सैड, किसने कहा है ये? सो मिल्टन के थॉट हैं ये। हाउ स्वीट इज डिवाइन फिलोसफी, नॉट हार्स एंड क्रैब्ड एज डल फूल सपोज, बट स्वीट इज अपेलो ल्यूट। वेयर डू दीज लाइन अपियर इन मिल्टन कॉमर्स, ये जो लाइन है ये मिल्टन के कॉमर्स में अपियर होती हैं। नेक्स्ट है, व्हेन मिल्टन रोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी हिज एज वाज ओनली, मिल्टन ने ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी कब लिखी थी, किस एज में लिखी थी? तो ये लिखी थी उन्होंने 21 साल की उम्र में, 21 साल के थे वो तब लिखी थी उन्होंने, और आई थी 1629 में। वहन मिल्टन रोट, अच्छा ये तो हो गया, एल एलिग्रो, ये पॉइंट देखिए, एल एलिग्रो एल पेंसरसो आर किड्स कॉमस लिसिडस बिलोंग टू, यानी कि ये जितने भी वर्क हैं एल एलिग्रो एल पेंसरसो आर किड्स भी एक मास्क है, कॉमस एंड लिसिडस, ये सब किससे बिलोंग करते हैं? ये सब मिल्टन से बिलोंग करते हैं, और ये हॉर्स एंड पोरियो पीरियड में लिखे गए थे ये सारे वर्क। रेस्टोरेशन केम इन, रेस्टोरेशन कब आया? 1660 में, 1660 में रेस्टोरेशन पीरियड की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है, ग्रेट प्लेग ऑकर्ड इन, ये ग्रेट प्लेग पीरियड था इंग्लैंड में, ग्रेट प्लेग कब फैला था? तो ये फैला था 1665 में। Which poem deal with Satan's temptation of Christ in wilderness? ये थीम कौन से वर्क की है मिल्टन की? सो पैराडाइज रीगेंड की यही थीम है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हु डेस्क्राइब मिल्टन एज द माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज एंड गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, इस तरीके से किसने प्रशंसा की है? टेनिसन ने मिल्टन को इस तरह से कोट किया है कि गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड है वो। बन हिल फील्ड इज़ एसोसिएटेड विद मिल्टन, किससे एसोसिएटेड है बन हिल फील्ड? ये एसोसिएटेड है मिल्टन से, यहीं इनकी डेथ हुई थी। देखिए, मिल्टन इज सेड टू बी, मिल्टन को क्या कहा जाता है? ए बिलेटेड एलिजाबेथन भी उनको कहा जाता है। फ्रॉम 12 ईयर्स ऑफ एज आई हार्डली एवर लेफ्ट माई स्टडीज़ और वेंट टू बेड बिफोर मिड नाइट, मैं मुश्किल से ही 12 साल की एज के बाद मैं मुश्किल से ही आधी रात से पहले सोया हूँ और मैंने कभी भी किताबों को नहीं छोड़ा, ये किसका कथन है? तो ये मिल्टन ने बोला था। अच्छा, फ्रॉम 1632 से 1638 मिल्टन कंटिन्यूड हिज स्टडीज एट, उन्होंने 1632 से 1638 तक अपनी पढ़ाई को जारी रखा। ये कहाँ पर थे वो उस समय? तो वो हॉर्सन में रहते थे। विच टू पोइम्स ऑफ मिल्टन आर कंपेनियन पीस, मिल्टन की कौन सी दो पोइम्स हैं जो कंपेनियन पीस मानी जाती हैं? सो ये दोनों पोइम हैं एल एलिग्रो एंड एल पेंसरसो। एल एलिग्रो मीन्स हैप्पी मैन एंड एल पेंसरसो मीन्स पैसिव मैन, यानी थॉटफुल मैन। द डिफेंसियो वॉज द लास्ट वर्क दैट मिल्टन सो, तो एक ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, डिफेंसियो भी मिल्टन का लास्ट वर्क माना जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 63, इन ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री थॉमस ग्रे प्रोग्रेस ऑफ पोएजी इन्वॉक्स ए मेजर पोइट एज फॉलोज, यानी कि जब हम ट्रेस करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री को जब हम पढ़ते हैं तो थॉमस ग्रे की एक पोएम है प्रोग्रेस, और है बेसिकली ये प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, तो उसमें इन्वॉक किया जाता है एक मेजर पोइट को, तो वो मेजर पोइट कौन है? तो ऑब्वियसली वो मेजर पोइट हैं आपके जॉन मिल्टन को एड्रेस किए उन्होंने ये पोएम, जिसकी फेमस लाइन्स हैं वो देख लीजिए। नॉट सेकेंड ही दैट रोड सबलाइम अपॉन द सीरफ विंग्स ऑफ एक्सटेसी द सीक्रेट ऑफ द एबिस टू स्पी हु इज़ ही, सो जॉन मिल्टन इज राइट आंसर। देखिए UGC नेट जून 2015 एंड RPSC राजस्थान के पेपर में भी ये पूछा गया है 2016 में। क्वेश्चन नंबर 64, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ जॉन मिल्टन एंड रोड द
worthy communicant, it is sad that his prose can be read easily when Milton must be studied. तो ये कौन है, कौन है जॉन मिल्टन के कंटेम्परेरी जो कि जिन्होंने द वर्दी कम्युनिकेंट लिखा है? सो जेरेमी टेलर इज़ राइट हेयर, ए आपका सही हो जाएगा. सो गाइज ये थे हमारे 64 क्वेश्चंस, हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑन जॉन मिल्टन. इसके बाद इसमें कुछ एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं, एग्ज़ाम पॉइंट्स मतलब वन लाइनर आंसर हैं इसमें, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्वेश्चन के सामने ही इसमें आंसर्स भी दे रखे हैं. जैसे देखिए फर्स्ट पॉइंट है इसमें, ये एग्जाम पॉइंट देखिए, द टाइटल ऑफ एल एलिग्रो एंड इल पेंसरसो आर फ्रॉम, यानी एल एलिग्रो एंड इल पेंसरसो ये दोनों ट्विंस पोइम्स हैं फ्रॉम बाय मिल्टन के द्वारा, मिल्टन के द्वारा ये दोनों पोइम्स लिखी गई हैं. तो ये कहाँ से इनकी सोर्स ली गई है, तो म्यूजिकोलॉजी से इनकी सोर्स ली गई है, ये सामने लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट देखिए एग्ज़ाम का, द मीनिंग ऑफ एल पेंसरसो इज़, एल पेंसरसो का मीनिंग क्या होता है, ए थॉटफुल मैन या फिर एक पेंसिव मैन. एल एलिग्रो आफ्टर वैनिशिंग द स्प्रिट ऑफ लोथैड मेलंकली वेलकम, एल एलिग्रो पोइम है उसमें क्या होता है कि वैनिशिंग हो जाती है स्प्रिट किसकी, मेलंकली की, जिसमें स्प्रिट ऑफ मेलंकली को वैनिश किया जाता है और वेलकम किया जाता है गॉडेस ऑफ मिर्थ का. यानी कि जो दोनों पोएम है एल एलिग्रो एल पेंसरसो, एल एलिग्रो का मीन्स होता है एक हैप्पी मैन जो केवल मानता है खुशी की देवी को, और एल पेंसरसो का मतलब है एक पेंसिव मैन यानी थॉटफुल मैन जो मानता है मेलंकली देवी को. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो एल एलिग्रो पोएम है उसमें जो स्प्रिट ऑफ मेलंकली है यानी मेलंकली जो दुख की देवी है उसको निकाल दिया जाता है और वेलकम किया जाता है गॉडेस ऑफ मिर्थ का यानी खुशी की देवी का. एम फायरोसिन ये इसका भी मतलब होता है गॉड और गॉडेस ऑफ जॉय. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इल पेंसरसो आफ्टर बैनिशिंग डिल्यूडिंग जॉय वेलकम द गॉडेस ऑफ मेलंकली. अब इसमें भी वही बात है, जैसे कि इल एलिग्रो में वेलकम किया जाता है गॉडेस ऑफ मिर्थ का, ऐसे ही एल पेंसरसो में वेलकम किया जाता है गॉडेस ऑफ मेलंकली का. यहाँ पर मेलंकली को प्रधानता दी गई है और वहाँ पर मिर्थ को प्रधानता दी गई है. नेक्स्ट पॉइंट है द पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट सैटर्न इज कम्पेयर्ड, सैटर्न को कम्पेयर किया गया है किससे, तो लेवियाथिन से किया गया है बुक फर्स्ट में. बुक फर्स्ट है जो जिसमें सैटर्न को डिस्क्राइब किया है मिल्टन ने, उसमें सैटर्न का जो करैक्टर है वो लेवियाथिन से कंपेयर किया गया. लेवियाथिन एक बिब्लिकल करैक्टर है. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, इसको जूम कर लेते हैं. सैटर्न कैन सड्यूस मैन बट ऑन हिमसेल्फ ही विल हैव ट्रेबल कन्फ्यूजन रेथ एंड वेंजियंस. यानी कि जो सैटर्न है जो खुद मैन का सड्यूस करता है वो खुद कैसा है, कन्फ्यूजन से, ट्रेबल से, रेथ से और वेंजियंस से भरा हुआ है. हु वॉज द नेक्स्ट टू सैटर्न, सैटर्न का नेक्स्ट कौन है, यानी बेलजीबब, यानी कि इसकी हर कमांड को फॉलो करता है बेलजीबब, इसका मतलब राइट हैंड है एक तरह से. मोलक इज़ द हॉरिड किंग बैशमर्ड विद ब्लड ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस. यानी कि जब ये मोलक है ये इसका प्रतीक है ह्यूमन सेक्रीफाइस का. हुज वूंड अलाउड द सीरियन डैमसल्स टू लेमेंट हिज फेट एट टाइम्स. हु केम लास्ट इन द लाइन ऑफ फॉलन एंजल. तो जो फॉलन एंजल हैं, जो एंजल्स स्वर्ग से निकाले गए फेंके गए, उनके लास्ट में सबसे कौन सा एंजल आता है, बेलियाल. बेलियाल को ही इज़ एसोसिएटेड विद लस्ट एंड वायलेंस. बेलियाल जो एंजल है उसको एसोसिएटेड माना है लस्ट से और वायलेंस से. इन कोर्ट एंड प्लेसेस हु इज़ ही, वो बेलियाल है. ठीक है, यानी कि जो एसोसिएटेड है लस्ट से, वायलेंस से, और जो कोर्ट्स में रहता है, प्लेसेस में रहता है, वो कौन है, तो बेलियाल. बेलियाल यहाँ पर लस्ट और वायलेंस का सिंबल है पैराडाइज लॉस्ट में. नेक्स्ट देखिए, व्हेन नाइट डार्कनेस द स्ट्रीट देन वंडर फोर द सन्स बेलियल फ्लोन विद इंसुलेंस एंड वाइन वेयर डू दिस लाइन आई अपीयर. तो ये जो लाइन है
ये कहाँ अपीयर होती हैं, तो ये जो लाइन है ये पैराडाइज लॉस्ट में अपीयर हो रही हैं। नेक्स्ट लाइंस देखिए, ये भी लाइंस हैं, फॉर दिस इनफर्नल पिट शैल नेवर होल्ड कैलेस्टियल स्प्रिट इन बॉन्डेज, वेयर डू दिस लाइन अपीयर, ये भी पैराडाइज लॉस्ट की हैं। लेट नन एडमायर दैट रिचेज ग्रो इन हेल दैट सोइल मे बेस्ट डिजर्व द प्रीसियस बैन, हु डू वेयर डू दिस लाइन अपीयर, कहाँ अपीयर हैं ये लाइन पैराडाइज लॉस्ट में। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जाम पॉइंट्स इस बुक में दे रखे थे, वो मैंने एक्सप्लेन किए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65, ओपनिंग 16 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंप्रेज, जो ओपनिंग 16 लाइन्स हैं, 16 लाइन्स हैं इस पैराडाइज लॉस्ट की, वो किस में कंप्राइज, किस में लिखी गई हैं, तो वन सेंटेंस में लिखी गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट जून में 2015 में ये आया है, यूजीसी नेट में पूछा गया है ये क्वेश्चन। द फर्स्ट 16 लाइन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस कंप्राइज इन वन सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 66, इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन प्रेजेंट द एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ मैन, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन क्या प्रस्तुत करते हैं एक्शन को, किसके, फॉल ऑफ मैन के। तो दो दो स्टेज पे उन्होंने उस एक्शन को प्रस्तुत किया है, तो कौन कौन सी बुक में किया है, ये भी यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बुक फोर्थ में और बुक नाइन्थ में उन्होंने एक्शन को फॉल ऑफ मैन प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 67, वेयर देयर इज लेजर फॉर फिक्शन देयर इज लिटिल ग्रीफ, वेयर देयर इज लेजर फॉर फिक्शन देयर इज लिटिल ग्रीफ, ये एक लाइन है जो कहाँ से ली गई है, वॉज सैमुअल जॉनसन क्रिटिसिज्म ऑफ फेमस पोएम, विच पोएम वॉज इट, यानी कि सैमुअल जॉनसन है, उन्होंने एक फेमस पोएम को, मिल्टन की एक फेमस पोएम को क्रिटिसाइज किया है, वो कौन सी पोएम है इस लाइन में, तो वो पोएम है लिसीडस बाई मिल्टन, मिल्टन को जॉन सैमुअल जॉनसन ने क्रिटिसाइज किया है, उन्हें ये पोएम बिल्कुल भी पसंद नहीं आई मिल्टन की। और देखिए किस में क्रिटिसाइज उन्होंने किया है, द एवर लाइन फ्रॉम मिल्टन लिसीडस 1638 वॉज कोटेड बाई डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इन हिज लाइफ्स ऑफ पोइट, उन्होंने एक अपना वर्क लिखा था लाइफ्स ऑफ पोइट 1779 में, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, एज एडम एंड ईव लीव पैराडाइज, जब एडम और ईव लीव करते हैं पैराडाइज को, हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ लेकर, विद वंडरिंग स्टेप एंड स्लो, है ना, हाथों में हाथ लेके एक साथ जब वो उसको छोड़ते हैं पैराडाइज को, बुक 12th में छोड़ते हैं, है ना, तो व्हाट इज़ देयर कंसोलेशन, तो उनका कंसोलेशन क्या है, तो यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2016 में। तो दे आर कम्फर्टेड बाई देयर फोर नॉलेज ऑफ द कमिंग ऑफ क्राइस्ट एज रेडिमर ऑफ मैनकाइंड, ये भी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उस आंसर की एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, एडम एंड ईव वर कंफर्टेबल बाई देयर फॉर नॉलेज ऑफ कमिंग ऑफ क्राइस्ट एज रेडिमर ऑफ मैनकाइंड वॉज देयर कंसोलेशन, सो दस द करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, इन पैराडाइज लॉस्ट विच करेक्टर कौन सा करेक्टर नैरेट करता है द स्टोरी, कहानी को, ऑफ द मेकिंग ऑफ ईव, ईव के निर्माण की कहानी को कौन सा करेक्टर नैरेट करता है पैराडाइज लॉस्ट में, ईव फ्रॉम ए रिब इन एडम साइड, कि जो ईव है उसका जो जन्म है वो एडम की रिब से हुआ है, कौन इसको नैरेट करता है इस स्टोरी को, यूजीसी नेट में आया है 2016 में, तो खुद एडम इस कहानी को नैरेट करता है, और बुक 8th में वो इसको नैरेट करता है लाइन 460 से 480 में। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, जॉन मिल्टन डेस्क्रिप्शन ऑफ गोल्ड एज प्रीसियस बैन, जॉन मिल्टन का डेस्क्रिप्शन गोल्ड एज ए प्रीसियस बैन पैराडाइज लॉस्ट बुक 2nd में बेस्ट डेस्क्राइब्ड, क्या डेस्क्राइब करता है, ये भी यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो ये ऑक्सीमोरन को डिस्क्राइब कर रहा है फिगर ऑफ स्पीच. प्रीसियस बैन में उन्होंने यूज़ किया है ऑक्सीमोरन, क्योंकि दोनों ये कंट्राडिक्शन को दिखाते हैं. ये प्रीसियस माने होता है वैल्यूबल और बैन मीन्स डिस्ट्रेस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए. मिल्टन्स लेमेंट फॉर हिज ब्लाइंडनेस अकर्स. मिल्टन का जो बिलाप है अपने ब्लाइंडनेस पे, अपने अंधेपन पर, वो किस पोएम में है? सो 71 का आंसर हो जाएगा डी, द नेटिविटी ऑड. आंसर डी, मिल्टन्स नेटिविटी ऑड वॉज फर्स्ट पब्लिश इन पोएम 1645. अट्रैक्टेड लिटिल अटेंशन बिफोर 18th century. इन दिस पोएम मिल्टन लेमेंट, है ना. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर. 72 का देखिए. हु रिप्लाइज टू मिल्टन. मिल्टन को रिप्लाई कौन करता है उसके क्वेश्चंस पर? डॉथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस. यानी उनकी जो सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसमें मिल्टन को कौन रिप्लाइज करता है? उसके मन में मिल्टन के एक प्रश्न उठ रहा है, डॉथ गॉड, क्या भगवान एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड, कि मुझसे काम करवाएगा, मेरी लाइट को छीन कर. यानी कि जब वो अंधे हो गए तब उन्होंने इस पोएम को कंपोज किया था, तो वो प्रश्न कर रहे हैं भगवान से, क्या उनके मन में जो थॉट चल रहे हैं कि अब क्या चाहता है भगवान, मेरी आंखों की रोशनी को छीन कर मुझसे काम करवाना चाहता है. तो उनको जो सुन उनका रिप्लाइज है ना, उसका मिलता है उनको पेशेंस से. पेशेंस रिप्लाइज करती है कि नहीं भैया, भगवान ऐसे नहीं है, भगवान को आपसे कोई काम नहीं चाहिए. सो आंसर सी इज़ राइट हियर. अब क्वेश्चन नंबर 73 देखिए. मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड विद एन एक्सप्रेशन. यानी इनकी जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन की, एंड हो जाती है एक एक्सप्रेशन के साथ ऑफ पोइट. पोइट की एक एक्सप्रेशन के साथ एंड होती है, वो एक्सप्रेशन क्या है? सो फेथ इन गॉड्स वे, भगवान में विश्वास. यानी हर हाल में इंसान को भगवान में विश्वास बना के रखना है, ये मैसेज है इस पोएम का. और इसी मैसेज के साथ, इस डिस्क्रिप्शन के साथ ये एंड होती है. क्वेश्चन नंबर देखिए 74. मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव टू सर्व गॉड बेस्ट. इसी पोइम की बात हो रही है. ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो सोनेट है मिल्टन की, इसमें भगवान की जो बेस्ट सर्विस है वो किसको माना गया है? इसमें बेस्ट सर्विस भगवान की माना गया है, आपका ए करेक्ट हो जाएगा, वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट. यानी कि जो भगवान ने एक इंसान को प्रदत्त किया है, जो दिया है, उसके बोझ को अगर वो सहन करता है, यही भगवान की सच्ची सेवा है. ये राजस्थान RPSC में 2016 में पूछा गया, PGT में भी पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में. अब यहाँ पे कुछ जिस तरह से भी मैंने पहले एग्जाम पॉइंट्स कराए थे, वन लाइनर आंसर होते हैं ये, इसमें भी कुछ हैं. तो एक ये है यहाँ पे, जैसे देखिए, रोज लाइक एन एक्सहेलेशन विद द साउंड ऑफ डल्सेट सिम्फनीज एंड वॉइस स्वीट, वॉट रोज लाइक एन एक्सलेंस. किससे कंपेयर किया गया है यहाँ पर रोज़ का? तो यहाँ पैंडेमोनियम आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए. वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज टास्क नोबडी एवर विज्ड इट लॉन्गर. यानी पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ना एक टास्क है, नो बडी एवर विस्ट इट लॉन्गर, कोई इंसान इसकी इच्छा भी नहीं कर सकता. ये छोटा मोटा नहीं है. पैराडाइज लॉस्ट 10,000 लाइन्स में है, 10-11,000 लाइन्स को कौन पढ़ पाएगा? तो ये डॉक्टर जॉनसन का कमेंट है पैराडाइज को लेकर. आगे देखिए, यहाँ पर भी कुछ पोइट्स के नाम हैं. जॉर्ज हर्बर्ट हैं, थॉमस कैरियो हैं, रॉबर्ट हैरिक हैं, रिचर्ड कैशो, रिचर्ड लवलेस, हेनरी वॉगम एंड एंड्रयू मार्वेल आर मिल्टन्स. ये जो पोइट्स के नेम दिए हैं, ये कौन है मिल्टन के? तो ये ऑल आर कंटेम्प्रेरीज पोइट हैं मिल्टन के. ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मिल्टन रोट एंड लैटिन पेस्टरल. मिल्टन ने क्या लिखा था? एक लैटिन पेस्टरल लिखा था, बोले तो एक लैटिन में एक एलाइजी लिखी थी, टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, हिज सोरो, अपना दुख, ऑन द डेथ पर ऑफ हिज फ्रेंड, अपने मित्र की, चार्ल्स ड्योटी. यानी कि एक उनके स्कूल फ्रेंड थे चार्ल्स ड्योटी, उनकी डेथ पर अपना दुख व्यक्त करने के लिए उन्होंने एक लैटिन एलर्जी लिखी है, जो मिलती जुलती है लिसीडस से. अब देखिए, लिसीडस भी एक एलर्जी है, वो भी एक पेस्टरल एलर्जी है, और ये भी लैटिन पेस्टरल एलर्जी है, तो इससे मिलती जुलती है. तो लिसीडस तो उन्होंने अपने कॉलेज फ्रेंड की डेथ पर लिखी थी, एडवर्ड किंग की डेथ पर, और ये वाली जो एलर्जी है इन्होंने अपने चार्ल्स ड्योटी स्कूल फ्रेंड के डेथ पर लिखी थी, जिसका नाम है एफी टेफीमियम डेमोनिस. ठीक है फ्रेंड्स,
आई होप आपको सब पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं. विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन अटैक, इनमें से क्या एक अटैक है ऑन द पॉलिटिकल करप्शन. पॉलिटिकल करप्शन के ऊपर एक अटैक है एक वर्क उनका ऑफ द क्लेरजी इन इंग्लिश चर्च एंड प्ली ऑफ फॉर डेमोक्रेसी इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए सर्च चर्च. तो ये जो अटैक है ये किस में किया है उन्होंने, ऑफ रिफॉर्मेशन. ये उनका एक प्रोज वर्क है जो कि आया 1641 में. ठीक है, एक मिल्टन को पोइट होने के साथ साथ उनको एक पैम्फलेटियर भी माना जाता है क्योंकि वो पैम्फलेट बहुत ख़तरनाक लिखते थे और बहुत सारे ट्रैक्ट उन्होंने लिखे हैं समाज सुधार को लेकर और डाइवोर्स के ऊपर, पार्लियामेंट को लेकर, सभी पर उन्होंने लिखा है. अच्छा, नेक्स्ट देखिए. विच लिटरेरी पीस शोज द सुपीरियोरिटी ऑफ प्रेसबाइटेरियन सिस्टम ऑफ चर्च गवर्नमेंट, यानी कि जो सिस्टम है चर्च गवर्नमेंट का वो उनका कौन सा ट्रैक्ट दिखाता है. सो ऑफ प्रीलिटिकल एपिस्कोपेसी, ये इनका ये भी एक ट्रैक्ट है, प्रोज वर्क है और ये भी 1641 में आया. 1641 में यानी इनका सेकंड प्रोज वर्क है और ये इसमें क्रिटिसाइज करता है चर्च गवर्नमेंट को जो कि चलाई जाती थी क्लेरिजी द्वारा. ठीक है, देखिए नेक्स्ट. एनिमेट वर्जन इज़ एन अटैक, एक ये भी इनका पैम्फलेट है एनिमेट वर्जन, ये इनका तीसरा पैम्फलेट है और ये भी आया था इनका 1641 में ही. लगातार ये आए थे, इनकी तीसरा पैम्फलेट है ऑन ए करेक्टर राइटर बिशॉप हॉल, यानी कि एक ये बिशॉप हॉल एक करेक्टर है जो कि क्लेरजी मैन और इनकी तारीफ में लिखता था, इसके ऊपर ये एक अटैक है, एक क्रिटिसाइज उन्होंने किया है. नेक्स्ट देखिए. विच ट्रैक्ट रिकमंड, अब कौन सा ट्रैक्ट रिकमेंड करता है फॉर द सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट इज लॉन्ग एक्लेस्टिकल ट्रैक्ट द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट एंड अर्ग्ड अगेंस्ट प्रीलेसी, यानी एक और इनका ये फोर्थ इनका पैम्फलेट आया द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट, इसमें भी इन्होंने इसको इसमें रिकमेंड किया है सेपरेशन को चर्च और स्टेट को. नेक्स्ट देखिए. डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, ये डॉक्टर एंड डिसिप्लिन एक इनका डाइवोर्स के ऊपर इनका टैक्ट आया 1643 में आया था और इसमें चार टैक्ट थे इनके, जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर, टैक्ट्रा कॉर्डन एंड कोलास्टीरियन आर फोर टैक्ट ऑन डाइवोर्स. हु रोट, किसने लिखे हैं ये, तो मिल्टन ने लिखे थे. नेक्स्ट है मिल्टन टॉक, टॉक करते हैं सप्लीमेंटिंग ऑफ बुक्स, बुक्स पर्सन कन टॉक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वेयर डज ही टॉक ऑफ एजुकेशन, ये इनका आया 1644 में, यानी इसमें ये टॉक करते हैं जो एजुकेशन प्रोग्राम है इन कॉलेजेस एंड स्कूल्स ऑफ स्टडी ऑफ बुक्स पर बातें करते हैं. द टाइटल ऑफ एरोपेजिटिका, एरोपेजिटिका का टाइटल ड्राइव्ड फ्रॉम ए स्पीच विच वॉज एड्रेस्ड टू एथियन कोर्ट ऑफ द एरियोपैगस, द स्पीच वॉज एड्रेस्ड बाय सॉक्रेट. ठीक है, ये हो गया आपका टाइटल कहाँ से आया एरियोपेजिटिका का, तो यहाँ से आया. नेक्स्ट देखिए. चार्ल्स फर्स्ट वॉज बिहेडेड इन, इनको चार्ल्स फर्स्ट को कब एग्जीक्यूटेड किया गया, बिहेडेड का मतलब होता है मारा गया 1649 में. मिल्टन रोड दिस वर्क ओनली टू काम डाउन, मिल्टन ने एक वर्क लिखा शांत करने के लिए पब्लिक रिएक्शन ऑफ फियर टू द बिहेडिंग ऑफ चार्ल्स, विच वर्क इज, यानी कि जब बिहेड हो गया मतलब एग्जीक्यूशन हो गया चार्ल्स वन का तो पब्लिक क्या हो गई थी, डर गई थी, सहम गई थी, तो उनको शांत करने के लिए उनके उनके डर को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक और पैम्फलेट लिखा ये ऑफ द टीनर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट. हु स्टूड फॉर एन ऑस्टियर हाई प्रिंसिपल गॉड फियरिंग एंड ब्लेमलेस काइंड ऑफ लाइफ, कौन स्टूड करते हैं हाई प्रिंसिपल गॉड फियरिंग एंड ब्लेमलेस काइंड ऑफ लाइफ, द प्यूरिटन्स. ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथ प्यूरिटन्स वर इन, मतलब जब एलिजाबेथन समय चल रहा था तो प्यूरिटन्स कितने थे, तो वो बहुत ज़्यादा कम थे, माइनॉरिटी में थे. ये देखिए ये वाली जो लाइन्स हैं, लव वर्च्यू सी ऑलोन एलोन इज फ्री, सी कैन टीच यू हाउ टू क्लाइम हायर देन द स्फेरी, और इफ वर्च्यू फीवल वर हैवन इट सेल्फ वुड स्टूप टू हर. सो वेयर डू दीज लाइन अपीयर, कॉमर्स, कॉमर्स में ये लाइन अपीयर होती हैं.
क्वेश्चन नंबर देखिए 75। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज, मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है? स्पेंसेरियन सोनेट है, एन ऑक्टेशियन सोनेट है, एपिटार्कन सोनेट है और फॉर्मलिस्ट सोनेट है, आरपीएससी पीजीटी 2013 में आया हुआ है। तो ये मिल्टन की एक पिटार्कन सोनेट है। पिटार्कन सोनेट एक 14 लाइन की कविता होती है जिसमें 8 लाइन का एक ऑक्टेव होता है और 6 लाइन का एक सेस्टेट होता है, और 8 लाइन के बाद एक पोज होता है, उसको कहते हैं हम कैजूरा। ठीक है, 14 लाइन की जो कविता है जिसमें एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट है, उसे पिटार्कन सोनेट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड, वो भी सच्ची सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं, कहाँ? भगवान के सामने, एंड वेट और इंतजार करते हैं। इन दिस लाइन फ्रॉम ऑन हिज ब्लाइंडनेस दे स्टैंड फॉर दोज हु, इस ऑन हिज ब्लाइंडनेस में ये जो दे वर्ड है ये किसके लिए यहाँ पर रेफर कर रहा है? तो ये सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, पेशेंसली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ गॉड, जो यानी कि भगवान के ऑर्डर को अपना एक्सेप्ट करते हैं और पेशेंसली वेट करते हैं, भगवान का जो भी आदेश होगा वो अच्छा होगा, यानी भगवान जो हमारे लिए करेगा वो अच्छा करेगा, सिर्फ वो केवल जो भगवान ने उन्हें दिया है उसे वो सहन करते हैं, ये यहाँ मतलब है। क्वेश्चन नंबर देखिए 77। इन लाइन 3 ऑफ हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन स्पीक्स ऑफ वन टैलेंट, यानी कि जो 3 लाइन्स है इस सोनेट की ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये क्वेश्चन आरपीएससी में जॉन मिल्टन के ये क्वेश्चंस ऑन हिज ब्लाइंडनेस से बहुत आए, क्योंकि ये आरपीएससी के सिलेबस में उनकी पोएम रखी गई है ना ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो ये इसलिए हर बार आरपीएससी के एग्ज़ाम में ऑन हिज ब्लाइंडनेस से एक आदि क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सोनेट है ये। सो वन टैलेंट की उन्होंने बात की है 3री लाइन में इस पोईम की, ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन ने, तो वो वन टैलेंट कौन सा है आपको बताना है, हिज पेशेंस, हिज टेनासिटी या फिर हिज फेथ, हिज पोइटिक एबिलिटी, तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वो अपनी पोइटिक एबिलिटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर देखिए 78। हु इज़ द राइटर ऑफ एसे ऑन मिल्टन, एसे ऑन मिल्टन एक वर्क है, ये इसका राइटर कौन है? सो मैकॉले ने अपना वर्क लिखा है मिल्टन पर, एसे ऑन मिल्टन। क्वेश्चन नंबर देखिए 79। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड, वो ये अभी आया था देखो आरपीएससी में और पीजीटी 2011 में, यूपी टीजीटी में 2009 और 16 में भी आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पोएम है उनकी, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। दे ऑल्सो सर्व, वो भी सर सच्ची सेवा करते हैं, हु ऑनली स्टैंड एंड वेट, यानी कि जो सिर्फ भगवान के कमांड की प्रतीक्षा करते हैं वो भी एक सच्ची सेवा है, यानी कि भगवान ने जो भी इंसान को कष्ट दिए हैं, और तो भगवान, वो इंसान भगवान से उन कष्टों की शिकायत ना करके उनको बियर करता है, सहन करता है कि ये मेरे कर्मों का फल है और ये मुझे सहन करना है शांति से, इसमें भगवान का क्या दोष, तो वही सच्ची सेवा है। ये नहीं कि आप शिकायत करने बैठ जाओगे भगवान तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि भगवान के पास सच्चा ब्यौरा है, अकाउंट है हमारे लेखा जोखा का, भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट है। सो ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ये लाइन्स ली गई हैं, ठीक है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। दे ऑल्सो सर्व, ये इज टेकन फ्रॉम मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस विच पब्लिश्ड इन 1673 में ये पोइम पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, व्हाट डज लाइट रेफर टू, यानी कि व्हेन आई कंसीडर, जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी जो लाइट है वो कैसे कितनी जल्दी ख़त्म हो गई, तो ये जो लाइट है ये क्या रेफर कर रही है? तो ये आई साइट के बारे में बात कर रही है, जब वो अंधे हो गए थे तभी तो उन्होंने ये पोइम को कंपोज किया था, तो ये पोइम पब्लिश हुई थी 1773 में और उन्होंने कंपोज की थी ये 1652 में, एट द एज ऑफ 44, जब वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 81। जॉन मिल्टन वॉज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652, वो 1652 में अंधे हो गए थे। व्हाट अदर इवेंट इज पेकुलियर इन द सेम ईयर, एक और घटना घटित हुई थी उनके साथ बहुत बुरी, वो क्या थी? उसी साल तो मैरिड हो गई थी उनकी, या वाइफ डाइड हुई थी, तो उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, मैरी पवल इज फर्स्ट वाइफ ऑल्सो डाइड इन द सेम ईयर, तो टी जी टी 11 में आया है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए।
लिसीडस वाज रिटन इन द मेमोरी ऑफ, जो लिसीडस है वो किसकी मेमोरी में लिखी गई है. सो एडवर्ड किंग हिज कॉलेज फ्रेंड एट कैम्ब्रिज, वहाँ उनकी याद में ही लिखी गई है. आरपीएससी में तो जरूर जॉन मिल्टन से आता है, टीजीटी एक में आया है. क्वेश्चन नंबर 83, हु रोट एंड अबाउट हुम, किसने लिखा है और किसके बारे में लिखा है. दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, आपकी सोल कैसी है, स्टार, आपकी जो आत्मा है वो एक स्टार की तरह है और जो कहीं दूर रहती है. ये मिल्टन ने लिखा है, किसके बारे में, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है मिल्टन के बारे में. लंदन 1802 उनकी एक पोएम है, लंदन 1802 जो डेडिकेट है मिल्टन को. क्वेश्चन नंबर देखिए 84, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश, वेरी इजी क्वेश्चन. कब पब्लिश हुआ था, 1667 में पब्लिश हुआ था. इन्हें लिखना कब शुरू किया था इन्होंने, 1658 में इसे लिखना शुरू किया था और 1665 में ये कंप्लीट हो गया था एंड 1667 में फाइनली पब्लिश हुआ था. क्वेश्चन नंबर देखिए 85, थीम ऑफ एरियोपैजिटिका इज, थीम क्या है एरियोपैजिटिका की, इनका प्रोज वर्क है जो 1644 में आया. फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए इंसान को. क्वेश्चन नंबर देखिए 86, विच वन ऑफ द मिल्टन फेवरेट, मिल्टन का कुछ वर्क्स उन्होंने जो लिखे हैं उनमें से उनका कोई फेवरेट है, वो कौन सा है उनका फेवरेट वर्क. तो मिल्टन का जो फेवरेट वर्क है वो है पैराडाइज रीगेंड. पैराडाइज रीगेंड वर्क बाई मिल्टन, ये उनका वन ऑफ फेवरेट वर्क है, ये उनको बहुत पसंद है अपना वर्क, जो कि आया था 1671 में आया था. क्वेश्चन नंबर देखिए 87, नथिंग इज नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स, नथिंग ऑफ वेल और नॉक द ब्रेस्ट, वीकनेस, नो कंटेम्प्ट, डिस्प्रेज और ब्लेम, नथिंग बट बेल एंड फेयर एंड वॉट मेक क्वाइट अस इन डेथ सो नोवल, वेयर फ्रॉम दीज लाइन टेकन. तो ये लाइन्स ली गई हैं सैमसन एगोनिस से, और सैमसन जो इसका हीरो है उसने ये लाइनों को बोला है, आया था 1671 में. देखिए क्वेश्चन नंबर 88, द लिटरेरी फॉर्म्स ऑफ कॉमर्स इज, लिटरेरी फॉर्म क्या है कॉमर्स की, तो ये एक मास्क है जो कि आई थी 1634 में. क्वेश्चन नंबर देखिए 89, हु मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर इन पोइट्री, किसको अपना मास्टर मानते हैं पोइट्री में. सो स्पेंसर को वो अपना मास्टर मानते हैं, सो डी इज करेक्ट हेयर. क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, व्हेन वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न, मिल्टन का जन्म कब हुआ था, 9 दिसंबर 1608 को ब्रैड स्ट्रीट लंदन, ब्रैड स्ट्रीट चीप साइड लंदन इंग्लैंड में, दिसंबर 9, 1608 को इनका जन्म हुआ था. सो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा. 91 देखिए, वेयर वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न, मिल्टन बॉर्न कहाँ हुए थे, सो ब्रैड स्ट्रीट लंदन, लंदन में बॉर्न हुए थे 9 दिसंबर 1608. क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मी थॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस सेंट, ये एक वर्क है मिल्टन का, ये सोनेट है, ये किसकी मेमोरी में उन्होंने लिखी है. सो उन्होंने अपनी सेकंड वाइफ की मेमोरी में लिखी, जो एक साल बाद ही मर गई थी शादी के एक दो साल, ये कैथरीन वुडकॉक, जिनकी शादी हुई थी 1556 में, बट आफ्टर सम टाइम शी लेफ्ट हिम एंड देन ही रोट टू स्ट्रॉन्ग पैम्फलेट ऑन डाइवोर्स एंड सेड इट इन इट, इन्होंने पैम्फलेट लिखे डाइवोर्स के और उसमें इन्होंने ये कहा. क्वेश्चन नंबर देखिए 93, इन विच ऑफ फॉलोइंग वर्क्स डिड मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप, यानी कि प्रमोट करते हैं फ्रीडम को स्पीच की को और अपोज करते हैं, विरोध करते हैं लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप का. सो इट इज एरियोपैजिटिका, सो बी इज करेक्ट हेयर. क्वेश्चन नंबर देखिए 94, पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइज बुक्स, कितनी बुक्स में ये लिखी गई है. सो ये 12 बुक्स में है पैराडाइज लॉस्ट, GIC लेक्चरर 2016 में आया है, TGT 2003, 9, 11 और 13 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, पैराडाइज लॉस्ट इज रिटेन इन, तो पैराडाइज लॉस्ट किस में लिखा गया, ब्लैंक वर्स में लिखा गया, बी इज करेक्ट हेयर.
96 क्वेश्चन नंबर 96, द फेमस लाइन व्हाट दो द फील्ड वाज फील्ड बी लॉस्ट, क्या हुआ अगर फील्ड चला गया, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं गया, इज स्पोकन बाय सैटर्न, सैटर्न ने इतनी ग्लोरीफाइड लाइन्स बोली हैं इन बुक फर्स्ट इन पैराडाइज लॉस्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. 97 देखिए क्वेश्चन नंबर, मिल्टन बिगन्स पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विद, यानी मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट है वो उसकी शुरुआत होती है इन्वोकेशन के साथ, आवाहन के साथ, आवाहन करते हैं वो काव्य की देवी का. मिल्टन बिगन्स पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विद इन्वोकेशन, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, द वर्ड दैट कंप्लीट द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल द सर हेल देन सर्व इन डैश, इसमें क्या ऑप्शन आएगा, इसमें ऑप्शन आएगा हेवन, यानी कि बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन इज, इन हेवन इज, यानी कि एक नर्क में राज्य करना अच्छा है बजाय किसी स्वर्ग में सेवा करने की. तो बहुत अच्छी अच्छी लाइन्स सैटर्न ने बोली हैं और इसीलिए बिलम्बैक ने कमेंट किया है कि विल्टन वाज ऑफ डेवल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, उन्होंने इतना ग्लोरीफाई कर दिया है सैटर्न को. तो क्वेश्चन नंबर देखिए 99, वाई व्हाट एज हैड मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड, कौन सी एज में बिल्कुल अंधे हो गए थे मिल्टन, तो सी 40 एट द एज ऑफ 44 मिल्टन इन द ईयर 1652 में, और एज थी उनकी 44 में वो अंधे हो गए थे. क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस, सैमसन एगोनिस किस प्रकार का वर्क है उनका, सो इट इज ए वर्स प्ले, ये एक वर्स प्ले है. क्वेश्चन नंबर देखिए 101, इन विच ईयर मिल्टन लिसीडस वाज रिटन, कौन सी ईयर में मिल्टन की लिसीडस लिखी गई, 1637 में. क्वेश्चन नंबर 102, हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन एक वर्क है इनका, ये 1670 में लिखा है इन्होंने, किसका है, तो जॉन मिल्टन का, इज इज वर्क वाज जॉन मिल्टन, बी आपका करेक्ट हो जाएगा. और ये बता दूं मैं, ये एक मिल्टन का अनफिनिश्ड वर्क है. क्वेश्चन नंबर 103, मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जर्नली रिगार्डेड, उनकी स्टाइल को माना जाता है ग्रांड, सो सी आपका करेक्ट हो जाएगा, मिल्टन पोएटिक स्टाइल इज जर्नली रिगार्डेड ग्रांड. क्वेश्चन नंबर 104, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाई चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, इन अल्टरनेटिव यानी ऑप्शन दिए चार, इनमें से आपको चूज करना है कि मिल्टन की जो लाइफ है वो किसने लिखी है. सो सैमुअल जॉनसन ने मिल्टन की लाइफ लिखी है, बायोग्राफी लिखी है मिल्टन की, तो आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर देखिए 105, जॉन मिल्टन एल एलिग्रो इन वॉक्स विच ग्रेस विद होम ही मीन्स टू लिव, यानी कि एल एलिग्रो में किसका इन्वोकेशन है, सो गॉडेस ऑफ मिर्थ, खुशी, मिर्थ माने होती है खुशी, खुशी की देवी का, सो आपका ये करेक्ट हो गया आंसर. आंसर नंबर वो क्वेश्चन नंबर देखिए 106, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज मेनोआ रिपोर्ट द एंड ऑफ द प्रोटागोनिस्ट इन मिल्टन्स सैमसन एगोनिस्ट, इन विच फॉलोइंग डज मैनोआ रिपोर्ट करता है एंड ऑफ प्रोटोगनिस्ट इन मिल्टन सैमसन, क्या रिपोर्ट करता है मैनोआ, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, काम ऑफ माइंड ऑल पैसन्स स्पेंट, सो सी आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर. तो क्वेश्चन 7 से 107 को देखते हैं, इन विच ऑफ हिज ट्रैक्ट डज मिल्टन से, किस ट्रैक्ट में मिल्टन कहते हैं एक ट्रैक्ट है मिल्टन का जिसमें वो कहते हैं ही हु डेस्ट्रॉय ए गुड बुक, जो एक अच्छी बुक को डेस्ट्रॉय करता है किल रीजन इट्सेल्फ, तो वो उस बुक को डेस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, वो खुद ही को डेस्ट्रॉय कर रहा है, किल्स द इमेज गॉड, और एक भगवान की इमेज को किल कर रहा है एज इट वर इन द आई, है ना. तो ये जो कोट है ये किस बुक में उन्होंने कहा है, तो ये उनका फेमस वर्क है प्रोज वर्क एरियोपेजिटी का, जिसमें उन्होंने इन लाइंस को बोला है, जो कि आया था 1644 में, बहुत फेमस वर्क है उनका, एंड आरपीएससी पीजीटी में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है.
इसका नेक्स्ट देखिए 108, क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, हु इज टॉमस ग्रे रेफरिंग, टॉमस ग्रे किसको रेफरिंग कर रहे हैं टू इन हिज लाइन्स, अपनी इन लाइन्स में, नॉर सेकेंड ही दैट रोड सबलाइम अपॉन द सीरफ बींग्स ऑफ एक्सटेसी। ये जो लाइन्स हैं ये टॉमस ग्रे की किसी वर्क की लाइन है, फेमस लाइन है, इसमें वो किसको रेफर कर रहे हैं, हु, सो द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी है ना, तो वो इसमें मिल्टन को प्रेज कर रहे हैं। ये प्रोग्रेस ऑफ पोइजी बहुत फेमस वर्क है बाई टॉमस ग्रे, जो कि एक पिंडारिक ऑड में लिखा है उन्होंने, टिपिकल पिंडारिक ऑड में, जिसमें कि कोई भी राइटर इतना सफल नहीं हो पाया जितना कि टॉमस ग्रे हुए थे। तो इनका एग्जाम्पल दिया जाता है, जब भी हम पिंडारिक ऑड की बात करते हैं तो हमेशा इस वर्क का नाम लिया जाता है, द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 109, मिल्टन लिसिडस इज ए एन, मिल्टन की लिसिडस क्या है, तो ये एक एलाजी है जो कि लिखी गई थी 1637 में ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। क्वेश्चन नंबर देखिए 110, हु डिसअप्रूव्ड मिल्टन लिसिडस, मिल्टन की जो लिसिडस है इसे डिसअप्रूव किसने किया, फॉर इट इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी, इसको इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी के लिए डिसअप्रूव्ड किया गया है किसके द्वारा, सो सैमुअल जॉनसन ने इसे डिसअप्रूव किया है, उन्होंने एक वर्क लिखा था लाइफ ऑफ पोइट, उसमें इन्होंने इसको डिसअप्रूव किया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 111, क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, मिल्टन में हमेशा एक अपीयरेंस होता है एफर्ट का, इन शेक्सपियर स्कार्सली यानी, और शेक्सपियर में स्कार्सली मुश्किल से ही है, सो दिस रिमार्क हैज़ बीन मेड बाय, ये एक रिमार्क है जो किसके द्वारा दिया गया है, सो दिस रिमार्क वॉज गिवन बाय विलियम हैजलिट, विलियम हैजलिट ने अपने लेक्चर में, उन्होंने एक लेक्चर दिए थे ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन, जिसमें उन्होंने ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन में जो लेक्चर उन्होंने दिया उसमें उन्होंने ये कहा है, सो दीज लाइन्स आर बाय विलियम हैजलिट। हाँ, इन हीज लेक्चर ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन विलियम हैजलिट सेड द एवर लाइन, हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 112, क्वेश्चन नंबर 112, हुम डज मिल्टन एक्यूज, किसको मिल्टन एक्यूज करते हैं इन पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट में एज द सन्स ऑफ बेलियाल, एक बेलियाल्स के सन बताते हैं फ्लोन विद इंसोलेंस एंड वाइन, जो कि इंसोलेंस से मतलब, इंसोलेंस मतलब ढीठता, और एक नेगेटिव सेंस में होता है इसका मतलब, और वाइन, और मतलब वाइन शराब जिसका मतलब है, तो किसको वो एक्यूज़ कर रहे हैं पैराडाइज लॉस्ट में द सन्स ऑफ बेलियाल कह के, तो वो कर रहे हैं अपोनेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ, यानी आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ ऑल, ऑल ऑफ द एबव, यानी एंग्लिकन क्लेर्जी, यानी क्लेर्जी मैन थे जो जो चर्च के क्लेर्जी हैं उनको भी बहुत ज़्यादा वो नफरत करते हैं, और कैविलियर पोइट और द अपोनेंट ऑफ कॉमनवेल्थ, यानी जो कॉमनवेल्थ का जो विरोधी है वो उनके लिए बेलियाल ऑफ सन है, सो ऑल ऑफ द एबव आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 113, व्हेन वॉज पैराडाइज लॉस्ट कम्प्लीटेड बाई मिल्टन, मिल्टन के द्वारा कम्प्लीट कब हुई, तो ये कम्प्लीट हो गई थी 1665 में, भी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली ये जो वर्क है इन्होंने लिखना शुरू किया था 1658 में, 1658 में लिखना शुरू किया था, 1665 में कंप्लीट हो गया, एंड 1667 में ये पब्लिश हो गया, तो आपको थ्री डेट, आपको इसकी थ्री डेट याद करनी है, रखनी है कि लिखना कब शुरू किया 1658 में, कंप्लीट कब हुआ 1665 में, पब्लिश कब हुआ 1667 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 114, मिल्टन वॉज अपॉइंटेड टू द पोजिशन, यार
देखिए क्वेश्चन नंबर 112, होम डज मिल्टन एक्यूज, किसको एक्यूज करते हैं मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट एज अ सन्स ऑफ बेलियल, एक बेलियल के सन्स कहकर वो किसको एक्यूज करते हैं, फ्लोन विद इंसोलेंस एंड वाइन, जो कि फ्लोन है विद इंसोलेंस एंड ढीठता एंड वाइन से, तो एंग्लिकन एलक्लेर्जी द कैविलियर पोइट द ओपोनेंट ऑफ कॉमनवेल्थ, तीनों को ही वो करते हैं, ऑल ऑफ द एबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, वैन वॉज पैराडाइज लॉस्ट कम्प्लीटेड बाई मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट कब कम्प्लीट हुई थी बाई मिल्टन के द्वारा। देखिए इससे रिलेटेड तीन डेट्स आपको कर समझनी है, जब मिल्टन ने पैराडाइज लिखना शुरू किया तो 1658 में उन्होंने इसे लिखना शुरू किया, कम्प्लीट हो गई 1665 में उन्होंने इसे कम्प्लीट कर लिया, एंड इसे पब्लिश कराया उन्होंने 1667 में, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1665 बी, इसलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, और इससे रिगार्डिंग आपको तीनों डेट्स ये याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 114, मिल्टन वॉज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क, यानी मिल्टन को अपॉइंट किया गया था पोजीशन पर और लैटिन सेक्रेटरी पोजीशन पर क्रोमवेल गवर्नमेंट द्वारा, चीफली मुख्यतः है ड्यू टू हिज वर्क, एक उनका वर्क है उसके लिए उनको वहाँ के लिए मतलब अपॉइंट किया गया था, तो उनका जो वर्क है ऑन द टीनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, इस वर्क से वो इतना खुश हुए क्रोमवेल कि उन्हें यहाँ का सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया। सो क्वेश्चन नंबर 114 आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए टीनर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट ये वर्क था। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, सैमसन एगोनिस शोज मिल्टन्स डिजायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश, है ना, सैमसन एगोनिस्ट क्या दिखाता है, मिल्टन्स डिजायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश, मिल्टन की क्या डिजायर रही इसको इंग्लिश में लाने की, सैमसन एगोनिस्ट को लाने की मिल्टन की क्या डिजायर थी इंग्लिश में लाने की। सो आपका क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी, द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडी, यानी कि वो इसके माध्यम से वो ग्रीक ट्रेजेडी की ग्रेविटी और काम डिग्निटी को दिखाना चाहते थे, ठीक है, आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 एल एलिग्रो एंड एल पेंसर सो मीन, इनका मतलब क्या होता है, सो एल एलिग्रो मीन्स होता है एक हैप्पी मैन या जॉयस मैन, और एल पेंसर सो मीन्स होता है एक पेंसिव मैन या फिर मेडिटेटिव मैन, तो आपका सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, द जॉयस मैन एंड द मेडिटेटिव मैन। क्वेश्चन नंबर देखिए 117, जॉन मिल्टन मैग्निफिसियंट ऑड ऑन द मॉर्निंग क्राइस्ट नेटिविटी वॉज रिटन व्हेन द पोइट्स एज वॉज, यानी कि जो मिल्टन का मैग्निफिसेंट वर्क है और लिखा है उन्होंने एक ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज रिटन व्हेन द पोइट की एज क्या थी उस समय, तो वो मात्र 21 साल के थे, और ये ऑड उन्होंने लिखा था 1629 में, और एट द मॉर्निंग ऑफ क्रिसमस डे, ये 25 दिसंबर को क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उस दिन मॉर्निंग को इन्होंने ये कंपोज की मतलब की थी। 118 क्वेश्चन नंबर 118 दी डॉक्टरना क्रिश्चना कास्ट करती है डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ, किसकी ऑर्थोडॉक्सी पर, सो आपका आंसर हो जाएगा पैराडाइज रीगेन, दी डॉक्टरना क्रिश्चना ऑन क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन कास्ट डाउट ऑन ऑर्थोडॉक्सी ऑफ पैराडाइज रीगेन, इट इज थियोलॉजिकल ट्रीटाइज ऑफ द इंग्लिश पोइट जॉन मिल्टन कंटेनिंग ए सिस्टमेटिक एक्सपोजिशन ऑफ रिलीजियस व्यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग पोइट वॉज निक नेम्ड द लेडी ऑफ क्राइस्ट बाई हिज फेलो अंडर ग्रेजुएट, स्पॉट द करेक्ट नेम ऑफ द पोइट, यानी इनमें से किस पोइट का नाम निक नेम था लेडी ऑफ क्राइस्ट, तो मिल्टन को लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है, और उनका अनदर हम लेडी ऑफ क्राइस्ट भी बोलते हैं और लेडी ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं, तो लेडी ऑफ लाइट आ जाए तो कन्फ्यूज मत होना, लेडी ऑफ क्राइस्ट कहो चाहे लेडी ऑफ लाइट एक ही बात है दोनों, देखिए लेडी ऑफ क्राइस्ट लेडी ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर देखिए 120, When the assault was intended to the city is a sonnet by, ये एक सोनेट है, When the assault was intended किसके द्वारा लिखी गई है, सो आंसर आपका बी ए हो जाएगा, मिल्टन के द्वारा ये सोनेट लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 121,
ऑन द मॉर्निंग क्राइस्ट ऑफ नेटिविटी इज ए, क्या है वो? तो उसमें पहले से ही लिख रहा है ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट क्राइस्ट नेटिविटी, सो ये आपका बी ऑड हो जाएगा। टीजीटी 2009 में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 122, सारे क्वेश्चन इसमें वही आ रहे हैं जो किसी ना किसी ईयर में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, सो इसलिए मैं बार बार उनको नहीं बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वर्क ऑफ मिल्टन, कौन सा इनमें से मिल्टन का वर्क है? टीजीटी 9 में आया है ये, द डॉक्ट्राइन क्रिश्चना, तो यही हो जाएगा बी वाला। आपने अभी ऊपर पढ़ा था ना द डॉक्ट्राइन क्रिश्चना, उनका एक थियोजिकल ट्राइज है ना, धार्मिक, थियोजिकल मतलब धार्मिक ट्रीटाइज, यानी पैम्फलेट है वो मिल्टन का। क्वेश्चन नंबर देखिए 123, हु कॉल्स मिल्टन, मिल्टन को कौन बुलाता है? गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस किसने किसने कहा है मिल्टन को? तो टेनिसन थे ये, डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने किस में कहा है? इन हिज पोइम मिल्टन लाइन टू, मिल्टन लाइन टू में इन्होंने कहा है टेनिसन, दिस पोइम बिलोंग्स टू ए ग्रुप, ग्रुप ऑफ पोइम इन विच टेनिसन एक्सपेरिमेंटेड इन द यूज ऑफ क्वान्टिटी ऑफ इंग्लिश मीटर, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिल्टन इज ए प्रोज वर्क, मैंशन दैट, कौन सा वर्क इनमें से मिल्टन का प्रोज वर्क है मैंशन कीजिए, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा, एरियोपेजिटिका, ठीक है। पैराडाइज रीगेन तो प्रोज वर्क है नहीं इनका, लिसिडस एलस ये, पैराडाइज लॉस्ट एपिक है, ये भी एपिक है, तो ये क्या हो गया आपका प्रोज वर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 125, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज़ नो ट्रेस इज नोटेबल फॉर हिज इट्स ऑटोबियोग्राफिकल पैसेजेस, तो आपका यही वाला सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट हियर। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज नोटेबल, जाना जाता है फॉर इट्स इसकी ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 126, हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन है? टीजीटी 9 में आया है सेट, सॉरी एडम इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, एडम इज़ द हीरो। क्वेश्चन नंबर देखिए 127, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन प्रेज्ड फॉर इट, मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है वो किसकी प्रेज्ड करता, मतलब किस में उसकी उसकी स्टाइल जो है वो क्या रही है? तो मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट में उन्होंने लिखा है ग्रैंड स्टाइल के लिए वो जाना जाता है, उसकी जो प्रशंसा होती है पैराडाइज लॉस्ट की वो उसकी ग्रैंड स्टाइल के लिए होती है, सो आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 128, सैमसन सैमसन एगोनिस्ट, सैमसन एगोनिस्ट बाय मिल्टन क्या है? इज ए प्ले ए मास्क, इज ए लॉन्ग पोएम, ए लॉन्ग ट्रीटाइज, तो ये एक प्ले है सैमसन एगोनिस्ट, जो ग्रीक ट्रेजिडी पे बेस्ड है और जो कि आया 1671 में। क्वेश्चन नंबर देखिए 129, फ्रॉम विच बुक इट हैज़ इट बीन टेकन, किस बुक से ये ली गई है? टू बी वीक इज़ मिजरेबल, टू बी वीक इज़ मिजरेबल डूइंग और सफरिंग, सो द पैराडाइज लॉस से ये लाइन्स ली गई हैं, सो डी आपका करेक्ट हो जाएगा, दीज लाइन्स वर हैव बीन टेकन फ्रॉम मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट और सैटर्न के द्वारा बोली गई हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर देखिए 130, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेस्टरल पोइम बाय मिल्टन, पेस्टरल पोइम कौन सी मिल्टन के द्वारा? सभी जानते हैं लिसिडस, लिसिडस ये सारी पेस्टरल एलेजी हैं, ये लिसिडस मिल्टन के द्वारा है, एडोनेस शैली के द्वारा है जो कीट्स के लिए उन्होंने लिखी थी, थायरसिस जो है मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है जो उन्होंने अपने फ्रेंड आर्थर ह्यूज क्लफ के लिए लिखी गई थी, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन दे रखी है सारी, यहाँ सारी पेस्टरल एलेजी हैं। लिसिडस 1638 में ये पब्लिश हुई थी, लिखने की जो ईयर है वो पूछी जाती है 1637, वही आती है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे देखो, एडोनिस 1821 में लिखी गई, ये भी पेस्टोरल एलर्जी का एग्जांपल है, ये शैली ने लिखी ऑन द डेथ ऑफ कीट्स, थायरसिस 1865 बाई आर्नोल्ड ऑन द डेथ ऑफ ए एच क्लफ, हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट, करेक्ट हो जाएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर देखिए 131, मिल्टन्स पोइट्री इज मिरर इन विच द राइटर करेक्टर इज़ वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड, हु मेड दिस स्टेटमेंट, मिल्टन की जो पोइट्री है वो क्या है? एक मिरर है जिसमें राइटर की जो करेक्टर हैं वो बहुत क्लियरली रिफ्लेक्टेड हैं, स्टेटमेंट दिया था मैकमिलान ने, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, टीजीटी 5 में आया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 132, द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन इज, मिल्टन का पीरियड कौन सा माना जाता है? सो
1625 से लेके 1660 का जो पीरियड है मिल्टन की एज माना जाता है 1625 से 1660। क्वेश्चन नंबर देखिए 133, द एज ऑफ मिल्टन हैज़ थ्री काइंड ऑफ पोइट, मेटाफिजिकल, कैविलियर और प्यूरिटन। तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मेटाफिजिकल पोइट इनके कंटेम्प्रेरी थे, कैविलियर पोइट भी थे और प्यूरिटन थे। प्यूरिटन तो खुद मिल्टन ही थे, कैविलियर पोइट वो थे जो चार्ल्स वन के सपोर्टर थे, और मेटाफिजिकल पोइट जैसे जॉन डन वगैरह। तो ये जो मिल्टन के एज से ही तीन प्रकार के हमें पोइट्स की जानकारी होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 134, पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय मिल्टन इन द फेज ऑफ हिज। तो पैराडाइज जो लॉस्ट है ये लिखा गया मिल्टन के द्वारा कौन से फेज में उनकी लाइफ के, मिडिल और लास्ट। तो ये लास्ट फेज में लिखा गया, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मास्क रिटन बाई मिल्टन। कौन सी इसमें मास्क है जो मिल्टन के द्वारा लिखी गई। सो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, कॉमस इज अ मास्क रिटन बाई मिल्टन। ठीक है, कॉमस 1634 इज ए मास्क इन ऑनर ऑफ चेस्टिटी, इस चेस्टिटी के ऑनर में लिखी गई, रिटन बाय मिल्टन। इट वॉज मिल्टन फर्स्ट ड्रामाटाइजिंग ऑफ हिज थीम कन्फ्लिक्ट ऑफ गुड इवल, हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 136, क्वेश्चन नंबर 136, इन विच पोइम डज फॉलोइंग स्टेटमेंट अपियर, सॉलिट्यूड समटाइम इज द बेस्ट सोसाइटी। सो पैराडाइज लॉस्ट में ये स्टेटमेंट अपियर होता है बाई मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, मिल्टन सैमसन एगोनिस्टेस इज, क्या है मिल्टन का सैमसन एगोनिस्ट। तो ये एक एलजी है, ऑड है, क्लासिकल एपिक है, क्लासिकल ट्रेजेडी है। सो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ये क्लासिकल ट्रेजेडी है जिसमें तीनों यूनिटीज़ को क्लासिकल ट्रेजेडी की फॉलो किया गया है, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, इन द ईयर 1637 मिल्टन कन्फाइडेड टू हिज फ्रेंड दैट ही हैड फिक्स्ड हिज माइंड अपॉन राइटिंग सम मोनूमेंटल पॉलिटिकल वर्क। यानी कि ईयर 1637 में मिल्टन ने कन्फाइड किया था अपने एक फ्रेंड से कि वो उनके माइंड में एक चीज़ फिक्स है लिखने के ऊपर, कि वो कुछ लिखेंगे, कुछ बड़ा लिखेंगे, कुछ मोनूमेंटल वर्क लिखेंगे वो, है ना। तो सेलेक्ट एमंग द फॉलोइंग द नेम ऑफ हिज फ्रेंड, तो वो कौन सा फ्रेंड था जिसके सामने उन्होंने ये कन्फाइड किया था। तो वो एडवर्ड किंग थे जिन्होंने उनके से सामने ये जिक्र किया था, अपने अंदर की बात कही थी, और 1637 में जिनकी डेथ हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए 139, द वोमेन करेक्टर डैलिया अपीयर सेन। तो ये जो डैलिया है ये अपीयर होती है सैमसन एगोनिस्ट में, ये सैमसन एगोनिस्ट की वाइफ है जो कि एक ट्रेजिक ग्रीक ट्रेजेडी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 140, द लाइन द माइंड इज इट्स ओन प्लेस, यानी कि जो माइंड है वही इसका स्थान है, एंड माइंड इट्स ओन प्लेस एंड इन इट्स सेल्फ कैन मेक ए हेवन और हेल, ए हेल ऑफ हेवन, यानी कि मेक ए हेवन ऑफ हेल। यानी कि माइंड ही एक ऐसी जगह है जिसमें हम अपने विचारों के द्वारा हेवन को हेल बना सकते हैं और हेल को हेवन बना सकते हैं। तो ये जो लाइन है ली गई है पैराडाइज लॉस्ट से, और लाइन ली गई है सैटर्न के द्वारा कही गई है। क्वेश्चन नंबर देखिए 141, द ऑथर ऑफ सैमसन एगोनिस्ट वॉज, सैमसन एगोनिस्ट का ऑथर कौन है। सैमसन एगोनिस्ट का ऑथर है जॉन मिल्टन, और ये आया था 1671 में, जो कि एक ट्रेजिक कॉमेडी है, वो सॉरी ट्रेजेडी है, कॉमेडी नॉट कॉमेडी, ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ द पोइम इज फॉलोइंग लाइन, अपार्ट फ्रॉम देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्ट शैल बर्न। सो ये लाइंस ली गई हैं आपकी लिसीडस से, लिसीडस इज ए ट्रेजर एलजी बाई मिल्टन, जो कि 1637 में आई, उनके फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पर उन्होंने लिखी थी। आया है ये क्वेश्चन 2010 में TGT में। मिल्टन वॉज, मिल्टन कौन थे सब जानते हैं, मिल्टन एक बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट माने जाते हैं, हु वॉज बॉर्न इन 1608 9 दिसंबर ब्रैड स्ट्रीट लंदन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 144, हु ओवरकम्स,
हु ओवरकम्स बाई फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फो दीज लाइन्स ऑकर इन. तो ये लाइन्स ली गई हैं पैराडाइज लॉस्ट से. क्वेश्चन नंबर देखिए 145. हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम ब्लाइंड. इनमें से कौन अंधा हो गया था. जॉन मिल्टन अंधे हो गए थे एट द एज ऑफ 44 इन 1652 जब उन्होंने अपनी पोइम कंपोज की ऑन हिज ब्लाइंडनेस. क्वेश्चन नंबर देखिए 146. पैराडाइज रीगेंड वॉज द वर्क ऑफ. किसका वर्क है. जॉन मिल्टन का वर्क है पैराडाइज रीगेंड जो आया 1671 में. किसके साथ आया. सैमसन एगोनिस्ट के साथ. ये भी पब्लिश हुआ था 1671 में. क्वेश्चन नंबर देखिए 147. हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए ब्रिटिश सिटीजन. इनमें से कौन ब्रिटिश सिटीजन नहीं है. तो जॉन मिल्टन विलियम वर्ड्सवर्थ विलियम शेक्सपियर ये सारे के सारे ब्रिटिश हैं. कैथरीन फ्रैंक जो हैं ये ब्रिटिश नहीं है ये अमेरिकन पोइट हैं. क्वेश्चन नंबर देखिए 148. व्हेन सैटर्न सेज ओ माय माइरियड ऑफ इमोर्टल स्पिरिट ऑफ पावर्स मैचलेस बट विद द ऑलमाइटी एंड दैट स्ट्राइव वाज नॉट इंग्लोरियस दो द इवेंट वाज डायर एज द प्लेस टेस्टिफाइज इन पैराडाइज लॉस्ट. बुक फर्स्ट लाइंस 622 से 625 लाइन तक ये कोट बोली गई है. ही इज एड्रेसिंग किसको एड्रेस कर रहा है वो. ये पैराडाइज लॉस्ट है जो एड्रेस कर रहा है अपने फॉलोअर्स को. तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे. ये देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन झारखंड पीजीटी 2017 में ये पूछा गया है. ये लाइन्स याद रखनी है 622 से 625 लाइन में ये एड्रेस कर रहा है अपने फॉलोअर्स को. ठीक है. क्वेश्चन नंबर देखिए 149. वॉट डज मिल्टन मीन. मिल्टन का क्या मतलब है वाई द वर्ड. उस वर्ड से फर्मामेंट वर्ड से क्या मतलब है मिल्टन का. ये वर्ड है जो इन द लाइन्स एक लाइन्स में उन्होंने बोला है नाउ ग्लोड द फर्मामेंट विद लिविंग सेफ्रीज हेस्पेरस दैट लेड इन बुक फोर्थ लाइन्स 605 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. तो इसका मतलब है जो फर्मा ये जो वर्ड है ना इसका मतलब होता है इसका है. सो बी आपका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. ये मीन्स ये लिख रहा है इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं भी. क्वेश्चन नंबर देखिए 150. क्वेश्चन नंबर 150. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट. झारखंड पीजीटी 2017 में पूछा गया. वेरी इंपॉर्टेंट है टिक लगा के रखो इसे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट के बारे में. सो आपका आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट हेयर. पैराडाइज लॉस्ट इज रेनेसा प्रोटेस्टेंट इंग्लिश एपिक. रेनेसा प्रोटेस्टेंट इंग्लिश एपिक ये माना जाता है. सो बी इज करेक्ट हेयर. क्वेश्चन नंबर देखिए 151. इन बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट में मिल्टन क्या करते हैं इन्वोक्स करते हैं आवाहन करते हैं द हेवनली म्यूज यूरेनिया का. हेवनली म्यूज यूरेनिया का आवाहन किया जाता है बुक फर्स्ट में. शी इज़ द म्यूज ऑफ वो किसकी म्यूज मानी जाती है किसकी देवी मानी जाती है. सो मानी जाती है एस्ट्रोनॉमी. ठीक है. सो डी आपका करेक्ट हो जाएगा. एस्ट्रोनॉमी की देवी वो मानी जाती है. क्वेश्चन नंबर देखिए 152. मिल्टन वॉज कंपोज द मैग्नीफिशियंट एपिक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इन. उन्होंने ये जो मैग्नीफिशियंट एपिक है वो किस में लिखा है. ये भी देखो झारखंड 2017 में आया हुआ है अभी लेटेस्ट आया है. ये अच्छा है क्वेश्चन. अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर. तो आपका ए हो जाएगा. वैसे तो आता है ब्लैंक वर्ड्स लेकिन ब्लैंक वर्ड्स और ये एक ही मतलब हुआ. ब्लैंक वर्ड्स जो होती है उसमें क्या होता है आइम्बिक पेंटामीटर होता है और लेकिन वो अनराइम्ड होता है. सो एक ही बात हो गई आपकी. ए आपका करेक्ट हो जाएगा. देखिए ब्लैंक वर्ड्स इज अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर. क्या होता है आइम्बिक पेंटामीटर. अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर ब्लैंक वर्ड्स होता है. क्वेश्चन नंबर 153 देखिए. द फॉल ऑफ सैटर्न एज डिपिक्टेड. फॉल ऑफ सैटर्न को दिखाया गया है इन बुक फर्स्ट. बुक फर्स्ट में दिखाया गया है पैराडाइज लॉस्ट की लास्टेड फोर. कितने दिनों तक ये चलता रहता है ये कार्यक्रम. ये नौ दिन तक चलता है. नाइन. ए आपका करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर देखिए 154. ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ.
जो ओपनिंग लाइन है पैराडाइज लॉस्ट की, वो किसका गुड एग्जांपल है? मिल्टनिक इन्वर्जन। मिल्टनिक स्टाइल एक उन्होंने, देखो एलटी 2018 में आया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिल्टनिक इन्वर्जन स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इन्वर्जन स्टाइल दिया है, जैसे सीधा ना लिख के उल्टा लिखते हैं चीज़ों को। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, जैसे कि डार्कनेस विजिबल है, इसको उन्होंने उल्टा लिखा है, इंस्टेड ऑफ विजिबल डार्कनेस लिखना चाहिए विजिबल डार्कनेस, लेकिन लिख दिया उन्होंने डार्कनेस विजिबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 155। हु ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल पार्टी विदाउट नोइंग इट। किसने कहा? ये तो बहुत फेमस कोट है, ये 2014 में आया है। किसने कहा है? विलियम ब्लैक ने ये मिल्टन के बारे में कहा है, बहुत ज़्यादा सैटन की तारीफ कर देने की वजह से उन्होंने ये कमेंट उनके ऊपर कहा कि मिल्टन इज डेविल्स पार्टी ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। क्वेश्चन नंबर देखिए 156 क्वेश्चन, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंड, जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी लाइट आँखों की रोशनी कैसे चली गई, इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन सोनेट, ये उनकी बेस्ट सोनेट है जो जानी जाती है, ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो उनकी सोनेट है उसी की ये फर्स्ट लाइन है, और उसका ही ये टाइटल भी है। ये जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल ही तो बाद में उनके जो पब्लिशर हैं उन्होंने दिया था ये नाम, मिल्टन ने तो इसे यही वाला नाम दिया था, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड। तो ये जो फेमस सोनेट है ये मिल्टन की है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, देखिए व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इज वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन, ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1673 आपको याद रखना है, ये पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखिए 157। हु एमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड, किसने इनमें से स्टार्ट किया था अपना राइटिंग सबसे पहले? फर्स्ट विलियम शेक्सपियर, ए करेक्ट हो जाएगा आपका, विलियम शेक्सपियर इन सबसे बड़े हैं एज में, तो यही सबसे पहले हो जाएंगे, है ना। फिर कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ है, जॉन मिल्टन है, पीजी वुडहाउस, ये सब बाद में। क्वेश्चन नंबर देखिए 158। विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इनकॉर्पोरेट्स द स्पीच रिदम्स ऑफ एडम एंड ईव मैरिटल क्वेरल्स, कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? सो बुक 9 हो जाएगा, बुक 9 आंसर इज करेक्ट। ये देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इनकॉर्पोरेट द स्पीच रिदम ऑफ एडम एंड ईव, एडम और ईव के रिदम और स्पीच को दिखाया गया है बुक 9 में, UGC NTA नेट और JRF जून 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, JRF जून 2020, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 159। हु वॉज मिल्टन्स मॉडल, मिल्टन का मॉडल क्या रहा? व्हेन द रिकास्ट द फर्स्ट एडिशन 1667 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इन 10 बुक्स, यानी कि किसके मॉडल पर मिल्टन ने उसको रिकास्ट किया अपने एपिक पैराडाइज लॉस्ट को इन 10 बुक्स टू 12 बुक, यानी कि पहले उन्होंने ओरिजिनली ये 10 बुक्स में आया था लेकिन बाद में उन्होंने 12 बुक में इसे करा 1674 में, यानी कि सेकंड जो एडिशन आया इसका तब इन्होंने इसे 12 बुक में कर दिया। तो जो सेकंड एडिशन था ये किसके उस मॉडल पर बेस्ड था? तो ये वर्जिल के मॉडल पर बेस्ड था, वर्जिल ने भी जो अपनी एनिड लिखी है AEN, एनिड ये 12 बुक में उनका एपिक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 160। क्वेश्चन नंबर 160। फ्रॉम हुज वर्क डिड जॉन मिल्टन टेक द एपिग्राफ टू हिज एरियोपेजिटिका, किसके वर्क से उन्होंने अपनी एरियोपेजिटिका का एपिग्राफ लिया है? सो यूरिपिडेस है ना, ग्रीक क्लासिकल पोइट हैं ये, इनके वर्क से इन्होंने इसका जो है टाइटल लिया है। 160। क्वेश्चन नंबर देखिए 161। इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इनवॉक्स हिज हेवनली म्यूज यूरेनिया एट द बिगनिंग ऑफ विच टू बुक्स, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट में उन्होंने जो हेवनली म्यूज यूरेनिया है उसको दो बार इन्वॉक किया है, दो बार उसका आवाहन किया है, तो किस किस में उन्होंने इसका आवाहन किया है? तो एक तो बुक फर्स्ट में किया है और एक बुक 7 में किया है, आंसर ए हो जाएगा, ए एंड डी, मतलब ए बुक 7 और एक आपका डी।
तो ये आपके 161 क्वेश्चन थे इसमें जो कंप्लीट हो गए हैं इस बुक के अकॉर्डिंग। यूथ कंपटीशन में जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी अभी 2001 से लेके 21 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे मैंने इस सीरीज़ में करा दिए मिल्टन के। अब इससे कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। और जो थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं वो कोई भी आप बुक जो पढ़ते हो TGT की उससे पढ़ लो, बस हो गए कवर सारे क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से ही आ जाता है। ये भी क्वेश्चन देखिए, UGC NTA NET JRF दिसंबर 2019 में पूछा गया है। इससे लेटेस्ट क्या होगा, 2019 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसकी प्रबल संभावना क्या हो गई, आने की प्रबल संभावना हो जाती है ऐसे क्वेश्चंस की। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और ऐसी एग्ज़ाम पॉइंट्स यहाँ दे रखे हैं, जैसे लेटस रेन इन हेल सिंस देयर इज़ मोर कंटेंट टू लिव इन लिबर्टी दो ऑल कंडेम्ड देन एज हिज वेसल ब्लेस्ड हु स्पीक दीज लाइन्स। सो लूसीफर इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फोर्थ में ये लाइन्स बोली गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोइट्स मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशन, यानी कि मतलब इंटरनेशनल कांग्रेस में ये जो मिल्टन हैं एंड शेक्सपियर हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश नेशन को, किसने कहा ये, तो ये स्टेटमेंट है मार्क पैटिसन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मिल्टन वॉज ए पैसिनेट मैन हु लिव्ड इन पैसिनेट टाइम, यानी मिल्टन कैसे थे, एक पैसिनेट मैन थे जिन्होंने एक पैसिनेट टाइम को जिया, तो ये किसने कहा है, हु सेड, जॉन बेले, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नॉट सेकेंड ही दैट रोड सबलाइम अपॉन द सीरफ विंग्स ऑफ एक्सटेसी ही सो बट ब्लास्टेड ब्लास्टेड विद एक्सेस ऑफ लाइट क्लोज्ड हिज आई इन एंडलेस नाइट। तो ये किसने बोला, ये थॉमस ग्रे की लाइन्स हैं, इन्होंने अपनी प्रोग्रेस ऑफ पोएजी में मिल्टन को प्रेज किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिल्टन इज राइटली एंड जूडिशियसली क्लासिफाइड विद द टू ग्रेट एपिक पोइट ऑफ द वर्ल्ड होमर एंड वर्जिल। दिस स्टेटमेंट ऑफ, ये स्टेटमेंट दिया है प्रोफेसर डब्सन ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, हु अपॉइंटेड मिल्टन टू द पोस्ट ऑफ लैटिन सेक्रेटरी, किसने मिल्टन को अपॉइंट किया था लैटिन सेक्रेटरी की पोस्ट पर, सो क्रॉमवेल थे, क्रॉमवेल ने उन्हें अपॉइंट किया था। इफ मिल्टन वॉज ए प्यूरिटन ही वॉज ऑल्सो मोर देन ए प्यूरिटन, दिस स्टेटमेंट, ये भी एक स्टेटमेंट है जो कि हचिनसन ने दिया है, है ना। नेक्स्ट है, सर्वेंट ऑफ गॉड, वेल डन वेल हैज़ दाउ फॉट द बेटर फाइट हु सिंगल हेस्ट मेंटेन्ड अंगेस्ट रिवोल्टेड मल्टीट्यूड देन दे इन आर्मीज, वेयर डू दिस लाइन अपियर्स। सो ये लाइन अपियर होती है पैराडाइज लॉस्ट की बुक फोर्थ में। सो गाइज़, ये सारे हमारे जितने भी जॉन मिल्टन के क्वेश्चंस थे यूथ कंपटीशन से मैंने यहाँ आज कंप्लीट कर दिए हैं, और इसके साथ हमारी जो जॉन मिल्टन की सीरीज़ थी वो कंप्लीट हो गई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।